नमस्कार है एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल में। और ये राम अन्ना के साथ तीसरा पॉडकास्ट है जो उन्हीं की वजह से हो पा रहा है। तो मैं राम अन्ना को थैंक यू बोलना चाहूँगा, थैंक यू सो मच ये पॉडकास्ट के लिए। हमेशा और हमेशा आप तैयार रहते हैं। और मैं आप लोगों से एक और बात कहना चाहूँगा, अब इसके बाद पता नहीं राम अन्ना के साथ कब पॉडकास्ट होगा, क्योंकि अन्ना जाने वाले हैं कुछ समय के लिए, हमें भी नहीं पता। आप लोग जितना फायदा उठा सके ये पॉडकास्ट का उतना फायदा उठाएं और बाकी लोगों तक भी पहुंचाएं जिन जिनको इसकी जरूरत है। अन्ना, आप कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस से? जी, पहली चीज तो ये है कि जितना भी आप मुझे जितना भी एक्टिव एक्टिव देख रहे हैं, सबसे पहले तो ऐसा था कि जैसे कि मैं सिर्फ वॉलंटियरिंग करूँगा तो सिर्फ सतगुरु जी के लिए या फिर अपने लिमिटेशन ब्रेक करने के लिए, उस तरह के नज़रिए से होता था पहले। तो उसकी बदौलत सेफ्सोल भी हो गया, और उसके बाद सनिधि डॉट नेट का जो आप बोल सकते हैं कि 15 महीने का जो यात्रा था, जो इनर्जी मैपिंग वाला, वो सब भी हो गया। तो उसके बाद एक तरह का रिक्वायरमेंट हो गया कि हम लोगों ने मैपिंग तो कर ली, ये सबके लिए ये बहुत यूजफुल भी रहेगा, मगर अगर लोगों को इसके बारे में पता नहीं चलेगा तो क्या होगा। उसकी वजह से आई एम वेरी एक्टिव इन सोशल मीडिया, तो उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पता चल रही हैं। और क्या है कि मेरा मानना ऐसा है कि ऐसा नहीं है कि मैं सोशल मीडिया में अगर मैं एक्टिव रहूँगा तो लोगों को फायदा नहीं होगा, इट विल बी देयर, मगर क्या होता है कि जो रूपांतरण की चीज़ जो सदगुरु जी बोल रहे हैं, ये चीज़ आपको वीडियो से नहीं मिलने वाली। इससे एक तरीके का आपको पता चलेगा कि क्या संभावना है, मगर अगर मैं वीडियो बनाता रहूंगा तो आप लोग सिर्फ वीडियो का ही वेट करते रहेंगे, ज्यादा ज्यादा नहीं होगी उसके बाद, ठीक है। तो एक चरम सीमा होता है, थ्रेशोल्ड होता है, तो इसीलिए मैं अभी इतना तेजी से इतने सारे पॉडकास्ट कर रहा हूँ कि अभी 3-4 पॉडकास्ट हो गए, कल भी एक हो गया था, कल शाम को भी एक थोड़ा छोटा वाला है एक अन्ना से, तो उन्होंने बताया कि, मगर एक दो बात ऐसा होता है कि कभी कभी अभी ऐसा हो गया कि पिछले कुछ दिनों से मैंने थोड़ा बहुत फिल्टर हटाना शुरू कर दिया है, तो वट एवर द पोस्ट विल बी कमिंग और जो कुछ भी हम लोग बात करेंगे तो ये सिर्फ एक तरीके के हार्डकोर सीकर के लिए ही होगा जो उत्तर वगैरह, क्योंकि जो भी चीज़ मैंने बताया कि लोग जो भी पहले से वीडियो पहली बार दूसरी बार देख रहे थे तो ये सबके लिए था, ठीक है। मगर क्या होता है कि अगर मैं अभी नहीं बोलूंगा तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। हाँ, तो अन्ना सिर्फ बातें घुमा रहे हैं और हम लोगों को कुछ भी नहीं बता रहे हैं। उसमें एक समझदार की बात ये है कि आप इसके लिए तैयार नहीं थे पहली चीज, मगर अभी ऐसा मौका आ गया है कि अगर मैं कुछ बातें नहीं बताऊंगा तो पता नहीं ये लोगों को पता भी चलेगी या नहीं, लोग ऐसे ही उनका समय बर्बाद हो जाएगा। तो और दूसरी चीज ये है कि वीडियो देखने के लिए, जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि जैसे कि अन्ना ने बताया, मैं साधना वगैरह करने के लिए जा रहा हूँ जो 2 साल से पोस्टपोन है, तो देर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज, आई नीड टू वर्क ऑन लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्सो। ऐसा नहीं कि अगर मुझे पूछेंगे तो मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, जो सतगुरु जी ने जो उनकी कृपा है सब कुछ है, मगर देर इज समथिंग, क्योंकि क्या होता है कि हम लोग जैसे ही मान लीजिए कि पॉडकास्ट तो कर लिया, 2-3 अभी तक 3 कर लिया, 10 भी कर लेंगे, 12 भी करेंगे, 15 भी करेंगे, मगर उससे लोगों में सिर्फ ऐसा हो जाएगा कि एक तरीके का जैसे कि टीवी सीरीज देखने का जैसा एक तरह का एडिक्शन आ जाएगा कि हैव यू सीन सतगुरु जी, सतगुरु एक्सक्लूसिव, और उसके बाद आ गया कि राम अन्ना का और जो गौरव अन्ना ने जो पॉडकास्ट किया हुआ है उसका 10 सीरीज सीजन देख लिया आपने। तो वी डोंट वांट पीपल टू हैव दैट टू मच ऑफ पॉडकास्ट, क्योंकि उसके बाद रूपांतरण नहीं होगा, तो जो गौरव अन्ना ने जो किया है और हमने जो एक तरह का साथ में एक तरीके का एफर्ट किया हुआ है, प्रयास किया हुआ है, ये निरर्थक रह जाएगा, ठीक है। तो मुझे नहीं पता कि लोग कितना उपयोग करेंगे नहीं करेंगे, मगर आई हैव रेस्पॉन्सिबिलिटी जो सदगुरु जी ने मेरे लिए जो पॉसिबिलिटीज खड़ा किया है, तो
उसको भी सार्थक करना है। और मुझे पता है कि अगर मैं यूट्यूब में ही रहूंगा या फिर इंस्टाग्राम में ही करूंगा, कल मुझे अभी ग्रोथ हो रहा है मेरा इंस्टाग्राम में फॉलोअर वगैरह, मगर आई डोंट सी देम एज अ फॉलोअर। मैं इसीलिए शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि जिस व्यवधान और जितने भी ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस लिमिटेशन से मैं गुजरा हूँ, आप लोग उसको सरल तरीके से गुजरे हैं। ठीक है, मैं नहीं कहूंगा कि पूरे के पूरे हट जाएंगे, अगर वो पूरे के पूरे हट जाएंगे तो आप में वो ग्रोथ नहीं होगी, आप मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो इसकी वजह से आप मत सोचिए कि जो आप यहाँ से जो कुछ भी जानेंगे, एक तरीके संभावना और एक तरीके का आप मान सकते हैं कि एक तरीके का एक्सपीरियंस वगैरह है जो आप सही तरीके से अगर प्रयोग करेंगे और साधना करेंगे तो आपकी जो प्रगति है वो निश्चित रूप से होगा। और अंत में मैं गायब नहीं हो रहा हूँ कुछ समय के लिए मैं साधना में जा रहा हूँ, तो मैं गौरव बंदा को ईमेल एड्रेस छोड़ के जा रहा हूँ। तो कभी बहुत जरूरी चीज है जो उनके जीवन और मरण से संबंधित है या फिर कुछ ऐसी चीजें हैं तो वो ईमेल लिख सकते हैं उसमें। ठीक है ओके सो अन्ना, शायद हमने आज से पहले भी डिस्कस किया है कि व्हाई साधना, लोगों को साधना करनी ही क्यों चाहिए। एंड इसी में फिर मैं एक और आगे क्वेश्चन जोड़ना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी। ये दोनों क्वेश्चंस का मैं आपसे आंसर चाहूंगा। हाँ जरूर, तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें ज्यादा फिल्टर नहीं होगा, इसमें मैं लंबा नहीं खींचूंगा पिछली बार, क्योंकि पिछली बार हम लोग कुछ एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे थे। अगर हम लोग साधना की बात कर रहे हैं कि साधना क्या है, ठीक है, तो क्या है कि अगर साधना की बात करेंगे, साधना एक तरीका आपका साधना का अर्थ ही रहता है हिंदी में या फिर संस्कृत में अर्थ रहता है, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो एक औजार है या फिर एक टूल है। ठीक है, जो हम लोग कुछ नहीं कर सकते बदौलत कर सकते हैं, मगर सिर्फ वही नहीं है। तो आध्यात्मिकता में सबसे आपका सबसे और सबसे नहीं बोलूंगा, मगर एक ही चीज है आपके जीवन में जिसको आपको उससे बाहर निकलना है, वो है आपका भ्रम, इग्नोरेंस बोलते हैं या फिर अंधकार बोलते हैं या फिर अज्ञानता बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ वही एक चीज है, ज्यादा चीजें नहीं है। लोग बोलते हैं कि मेरे जीवन में बहुत सारे संकट आ रहे हैं, ठीक है, वो संकट क्यों आ रहा है, क्योंकि अज्ञानता की वजह से। ठीक है, तो जो कुछ भी साधना हम लोग करते हैं या फिर जिसको हम साधना बोलते हैं, उसका एक ही मकसद रहता है कि आपकी जो भी चेतना की स्थिति है, चेतना का स्तर है, उसको बढ़ाना। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको साधारण सा उदाहरण दे देता हूं कि अगर एक कमरे अंधकार है, कमरे में अंधकार है, मैं आपको बताऊंगा कि आप वो कमरे में जाइए और मुझे एक सामान लेके आइए। ठीक है, तो आप उसके अंदर जाएंगे, कितना टाइम लगेगा आपको? बहुत सारा टाइम लगेगा, है नहीं? हाँ, पता भी नहीं। अगर हाँ तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि कहाँ पे है और अंधकार है, तो कुछ भी नहीं दिखाएगा। मगर आप, मैं आपको एक टॉर्च लाइट दूंगा, तो आप टॉर्च लाइट लेके जाएंगे, आप देख तो पाएंगे मगर आपको पता नहीं होगा कि वो कहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये सामान ऐसा ऐसा दिखता है। ठीक है, तो आप जाके वहां पे वो ढूंढ सकते हैं। ठीक है, मगर अब मैं आपको बताऊंगा कि ये यही पर है, सिर्फ आपको अंदर जाना है, लाइट जलाना है, फिर दाईं ओर में नीचे वाले जो बक्स है उसको खींचना है, तो वहां पे मिलेगा। ठीक है, हाँ, तो अभी क्या हुआ कि जो चीज हम लोग बोल रहे हैं, जैसे कि साधना हर एक तरीके से होता है, जैसे कि आपको अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो आप मोटर बाइक या फिर कार की प्रयोग करते हैं, वो भी साधन हो गया। ठीक है, उससे आप एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, जैसे कि हमारे ये पंच इंद्रिय भी एक तरीके का साधन ही है। ठीक है, मगर इससे इसको हम लोग साधना क्यों नहीं बोलते, क्योंकि ये सिर्फ आपका सर्वाइवल के लिए, जीवित रहने के लिए, क्योंकि आपको जीवित रहने से ज्यादा ये कुछ भी नहीं दे सकता, आपको अंधकार से मुक्त नहीं करवा सकती। तो जैसे कि हम लोग, जैसे कि सबसे साधारण वाला साधन मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी जो श्वास प्रश्वास प्रणाली होती है, जैसे कि बुद्धिस्ट ध्यान वगैरह में करते हैं, अगर आप सिर्फ उसको देखते रहेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि धीरे 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 आपको पता चल जाएगा कि जो कुछ भी आपके मन में चल रहा है वो सब एक तरीके का भ्रम ही है। ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है, वो क्या है। किसी को ये पॉडकास्ट भी देखने की जरूरत नहीं है, अगर
आपकी चेतना स्तर बहुत ऊपर है। तो साधना एक चीज है जो आपको एक तरीके से आपको पता चलेगा कि क्या हो रहा है, और अगर उसका भी अलग अलग तरीके का प्रयोग रहते हैं। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता था, जैसे कि शांभवी महामुद्रा हो गया जो सदगुरु जी लोगों को इनिशिएट करवाते हैं, तो उससे क्या हो जाता है कि आपके जो भी शरीर वगैरह है तो एक तरीके की परिस्थिति में लाता है, जिसकी तरीके से आपका चेतना स्तर बहुत बढ़ जाता है, ठीक है, जिसको क्रिया योग की वजह से होता है। तो अगर सरल भाषा में बोलेंगे तो जो कुछ भी साधना बन सकता है जैसे कि, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चीज होना है कि इसमें चेतना की स्थिति, ठीक है, चेतना की स्थिति में आ जाना चाहिए, ठीक है। तो जिस चेतना की स्थिति में आप जाएंगे उसी की स्थिति में आपका जो भी जीवन बह रहा है आपको पता चल जाएगा सब कुछ। मगर उसमें जैसे कि मैंने बताया कि आप अलग अलग तरीके की चीजें भी कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए किसी ने मुझे पूछा था कि सबसे शक्तिशाली साधना कौन सा है, ठीक है। तो शक्तिशाली का अर्थ यही रहता है कि आपका उद्देश्य क्या है उसमें निर्भर करता है कि शक्तिशाली कौन सा है। जैसे कि आपको पीठ में दर्द है तो आपकी साधना अलग वाली शक्तिशाली आपके लिए वो वाली शक्तिशाली हो गए। आपको मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो मोक्ष की प्राप्ति करने वाली साधना आपके लिए शक्तिशाली हो गए। किसी को परिवार में अच्छे तरीके से जीना है, पढ़ाई करना है, एग्जाम वगैरह देना है, तो उसी तरीके की साधना करने की जरूरत है। जैसे कि कुछ दिन पहले ये बसंत पंचमी आ गया था, जैसे कि माता सरस्वती की पूजा करते हैं हम लोग, वो भी एक तरीके से हम लोग साधना ही कर रहे हैं। सदगुरु जी बोलते हैं कि जैसे कि कुछ जो कुछ भी है तो उसकी हर एक तरीके से अलग अलग संभावनाएं है होती हैं। इसीलिए अगर हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे देवी देवताएं वगैरह होते हैं, तो जो कुछ हम लोग नहीं कर सकते एक तरीके से हम अपने आप को भी निखार के एक तरीके से प्रभुत्व करके अपने आप को कैपेबल बना सकते हैं, ठीक है। वो जब आप साधना वगैरह करते हैं जैसे कि करते हैं तो चेतना की स्तर की बात है पूरे की पूरी। अगर चेतना की स्तर आपका अलग पहुंच गया तो एक तरीके से आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। मगर उससे भी ऊपर चले गए तो क्या हो जाएगा, आपको जैसे कि लोग बता देना कि समाधि वगैरह की अनुभूति भी हो जाती है। तो साधना ऐसी चीज है कि जो आपको चेतना चेतना है, सिर्फ चेतना ही चेतना, चेतना ही चेतना है। लोग तो बोलते हैं कि मैं अगर ये साधना करूंगा तो मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए कुछ स्पेसिफिक साधना नहीं होती है, ठीक है। उसका काम ही होता है कि आपका जो भी होता है उसको निखारते जाना, निखारते जाना, निखारते जाना। आपको एक परिस्थिति सृजना करनी है अपने अंदर, ताकि जब वो समय आएगा, जैसे कि बसंत ऋतु आ जाता है, अब आने वाला है, तो बसंत ऋतु आ जाता है क्या होता है, वो फूल अपने आप खिल जाता है, फल अपने आप निकल जाते हैं, ठीक है। मगर उससे पहले क्या करने की जरूरत होती है, आपको तो मल जल करने की जरूरत होती है नहीं? हाँ, जहां पे धूप लगती है वहां पे रखने की जरूरत है। तो ये सब साधना ही है, चेतना की स्तर है। क्योंकि अगर चेतना की स्थिति आपका अच्छा नहीं है तो क्या होता है कि जैसे कि लोग बताते हैं कि अगर परब्रह्म भी आ गया, शिव जी भी आ गए, या फिर सदगुरु भी आ जाए ना, तो लोगों को पता भी नहीं चलेगा। तो अगर कुछ भी चीज आपकी चेतना की परिधि में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपका साधना काम कर रहा है, ठीक है। तो साधना का अर्थ यही रहता है कि चेतना की स्थिति को बढ़ाना और उसको सस्टेन करने के लिए, क्योंकि बहुत सारे तरीके हैं मगर वो नहीं होता। अगर जैसे कि अगर आपने जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी काम आप कर रहे हैं, अगर एक समर्पण भाव से आप करेंगे तो उस तरीके से हो जाता है, कर्मयोग हो जाता है, वो भी साधना हो गया, ठीक है। अगर कुछ चीजों को आप अपने से ऊपर सोचते हैं उसकी वजह से ही आपका अस्तित्व संभव है, अगर आप उस स्थिति में पहुंचेंगे तो हम उसको बोलते हैं भक्ति योग। अगर हम लोग एक तरीके से सोचेंगे ना, तो संसार में जो कुछ भी हम लोग दिखाई दे रहा है वो नहीं होता तो हम लोगों की अस्तित्व नहीं होती। लोग बोलते हैं कि जैसे कि उस बंदे ने मुझे बहुत पीड़ा दिया है, वो उसकी वजह से मुझे बहुत चोट पहुंची है, ठीक है। मगर अगर वो बंदा नहीं होता, अगर अच्छे एक तरीके से पर्सपेक्टिव बदल के नहीं देखेंगे ना, जैसे कि अगर वो चोट आपको नहीं लगती तो आपको पता भी नहीं होता कि आप जिंदा है नहीं, ठीक है। क्योंकि महसूस करना ही तो जीवित रहना है नहीं। तो अगर हम लोग सोचेंगे कि ये गलत हो रहा है तो गलत बात है, मगर जो कुछ भी चीजें हैं उसकी वजह से हमारा अस्तित्व कायम है, तो उस स्थिति में पहुंचेंगे तो भक्ति साधना हो गया वो, ठीक है। तो उसी वजह से अगर आपको एक तरीके की अनुभूति हो गई तो आपको पता चल गया कि
ई क्या है, ओ क्या है, तो वो हो गया आपका ज्ञान योग हो गया। उसमें आप गए, आपका एक तरीके का बुद्धि को आप प्रयोग करेंगे तो वो भी एक साधना हो गया। ठीक है, जैसे कि आप किसी और से भी बात कर सकते हैं, आपने मुझसे बात किया, आपने सद्गुरु जी के बारे में आप पढ़ते हैं, उनकी साधना करते हैं, ठीक है, वो कैसे हो गया, क्योंकि आपका चेतना स्तर बढ़ गया है, तो आपको पता चल जाता है कि क्या काम करेगा क्या नहीं काम करेगा, ये हो गया ज्ञान योग। ठीक है, तो क्रिया योग तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ करते जाना है, तो उसके बारे में हम लोग बात कर सकते हैं, मगर वो करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि वो एक बहुत बहुत पवित्र साधना है, तो उसको सिर्फ प्रयोग करना है। जैसे कि हम लोग मोटर बाइक को प्रयोग करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, मगर हम लोग को पता नहीं होता कि मोटर बाइक कैसे काम कर रहा है, वो जानने की भी जरूरत नहीं है। उससे लोग उससे जानने से भी ज्यादा अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो उससे बहुत ही लाभ होगा, और आपकी चेतना, जब चेतना स्थिति वृद्धि हो जाएगी तो आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, तो क्या हो गया, तो मृत्यु से भी परे हो गया आप, क्योंकि मृत्यु तो सिर्फ शरीर की और मन की आती है, तो तो साधना ऐसी चीज है। ओके हाँ, सो उससे फॉलो अप प्रश्न आपका था कि हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी क्या है। हाँ, या हाँ जी तो अन्ना हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये रहता है कि उसको बोलते हैं हम लोग, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था एक बार, कि उसको बोले विशुद्ध आध्यात्मिकता। ठीक है, तो क्या होता है कि अभी हम लोग जितने भी YouTube वगैरह देख रहे हैं, Instagram देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग, मेरा YouTube चैनल का नाम भी हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी है, मगर आप वो सिर्फ देखने से हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी आने वाली नहीं है। ठीक है, क्योंकि ज्यादातर लोगों ने इस तरह का कंटेंट नहीं बनाया है, तो एक तरह से हम लोग विवश हो गए थे, क्योंकि बहुत सारे लोग आके पूछ रहे थे मुझे कि बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे थे, तो बहुत रिपीटेटिव हो गया, तो मैंने सोचा कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड है ना तो जा सकते हैं। तो ये हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी तभी शुरू होता है जब आपको पता हो गया कि जो भी आप साधना वगैरह कर रहे हैं वो काम कर रहा है। ठीक है, ये टेस्ट करने की जगह नहीं है, क्योंकि क्या होता है कि सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि आपको पता चलेगा कि एक काम करता है या नहीं, पहली चीज वो सबके माइंड में आता है। ठीक है, तो आपने एक बार जैसे कि मान लो कि एक साधना ट्राई कर लिया, आपने कर लिया तो आपको अनुभव हो गया कि ये काम कर रहा है। ठीक है, हाँ, तो अब हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी तब आता है जब आप जो कुछ भी साधन, जैसे कि आपने बोला ना, जो कुछ भी साधन साधन जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, जो कुछ भी साधन है आपके लिए संभव है, अगर वो सबको आप एक तरीके से खर्च करेंगे ना, खर्च एग्जॉस्ट, कुछ भी बाकी नहीं रहेंगे, उसको पूरी तरीके से प्रयोग करेंगे, तो उसको बोलते हैं विशुद्ध आध्यात्मिकता। ठीक है, उसका अर्थ यह रहता है कि सिर्फ आप 21 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए, 40 घंटे के लिए, 20 घंटे के लिए नहीं, आप हर समय सब कुछ को उसी दिशा में लगा देंगे। ठीक है, तो इसी वजह से क्या होता है कि जब भी हम लोग बड़ी साधनाएं करते हैं, जैसे कि भाव स्पंदना हो गया, या फिर संयम हो गया, या फिर कोई भी दूसरी साधनाएं वगैरह होती हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको एक तरीके से अलग तरीके के स्थान में होता है जहां पे डिस्ट्रैक्शन ना हो, क्योंकि क्या हो जाता है कि अगर आप एक तरीके का रेगुलर तरीके से साधना करते हैं जो आप लोगों के बीच में रह के भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि आप वो इंटेंसिटी पीच पे नहीं गए। ठीक है, हाँ, मगर क्या होता है कि जब आपका पूरा का पूरा सिस्टम एक तरीके से एक डिरेक्शन में जा रहा है, तो इट्स लाइक जैसे कि आप नेशनल हाईवे में कुदा रहे हैं, जैसे कि एक्सप्रेस वे में, तो अगर थोड़ा सा भी आप डिरेक्शन वगैरह चेंज करेंगे या फिर ब्रेक मारेंगे ना, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी डेट्रीमेंटल। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों के बारे में ध्यान करनी रहती है, और आपको प्रिपरेशन करने की भी जरूरत रहती है, ऐसा नहीं कि मैंने कर लिया, मैंने किया है साधना पूरा करूंगा, उस तरीके से नहीं है, 2 घंटे 3 घंटे के लिए कर लिया वो तरीके से नहीं है। तो क्या होता है कि आपको जो कुछ भी है, जैसे कि साधन के बारे में मैंने बताया, जैसे कर्म योग, क्रिया योग, ज्ञान योग और जो भी कुछ है, तो वो सब आपको प्रयोग करना है, और प्रयोग करने के लिए किसी से पूछने की जरूरत नहीं है इसके लिए, क्योंकि क्या होता है कि जैसे कि आप और मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि आप एक तरीके से समर्पण भाव से अगर करेंगे ना, तो ये कर्मयोग हो गया। ठीक है, और भक्ति योग का भी कुछ एलिमेंट आ गया है इसमें, तो इस तरीके से आप करते हैं, मगर उसमें क्या होता है कि जो कुछ भी साधन है गुरु जी ने आपको दिया हुआ है, तो उसको पूरी की तरीके से खर्च करना है, उसको पुश करना है लिमिट तक, जब तक लोगों को थोड़ा सा ताजुब भी लग सकता है, मगर क्या है कि आपको इस तरीके से जाना है, जैसे कि
आपका शरीर जवाब दे देगा, ठीक है, आपको करना है, तो तभी पता चलेगा कि ये साधना मुझे कहाँ तक ले जा सकती है और कहाँ नहीं। जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि कोई भी साधना 100% परफेक्ट नहीं रहता है, ठीक है। साधना का काम ही क्या है कि आपके जो भी कर्म वगैरह है या फिर पॉसिबिलिटीज है, पॉसिबिलिटीज को खोलना होता है और कर्म को एक तरीके से फ्लूइड बनाना है, ठीक है। हम लोग जब लोग हम ज्यादा से ज्यादा साधना कर रहे हैं ना, हम लोग एक तरीके से कर्म को, एक हिंदी वर्ड भी है उसको प्रयोग करते हैं, नेस्तनाबूत करना है उसको, ठीक है। मगर उसके साथ साथ क्या है कि आपको जो भी कर्म है उसको इतना मैलिएबल करवाना है कि जो आप चाहते हैं उसकी तरफ बढ़े हो, ठीक है। मगर अगर आप सिर्फ कर्म को खत्म करने के बारे में सोचेंगे ना, तो जो भी आपके लिए एक तरीके का संभावना है वो पूरा खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी वही है कि उसमें मन का लेना देना कुछ भी नहीं है, शरीर का लेना देना कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। जैसे कि लोग बोलते हैं कि मैं सदगुरु को, सदगुरु अच्छा लगता है मान लो, ठीक है, मुझे रमण महर्षि अच्छा लगता है, मुझे ओशो पसंद है, तो आपका वो हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा वो, ठीक है। मुझे ये पसंद, ये खाना पसंद है, ये खाना ना पसंद नहीं है, वो आपका हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी नहीं होगा, ठीक है। तो एक बंदे ने मुझे मैसेज किया था इंस्टाग्राम में, उसने बताया कि जो सदगुरु जी बताते हैं और जो आप बताते हैं सटीक है, उसमें कोई अंतर नहीं है, मगर उन्होंने, सदगुरु जी ने जो बोला वो उन्होंने भूल गए वो लोग। क्योंकि क्या होता है कि एक तरीके से अगर सोचेंगे कि राम अन्ना सही बोलते हैं या फिर सदगुरु जी सही बोलते हैं, तो आपने अपने आप को सीमितता में डाल दिया, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि आपका जो चेतना का जो इंटेलिजेंस बोलते हैं ना, ठीक है, हाँ चित्त, ठीक है, उसको अपने आप में बाहर आके अपने आप को एक्सप्रेस करने का मौका नहीं दिया आपने, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है कि आप हमेशा सोचते रहेंगे सदगुरु क्या बोलते हैं, राम बंदा क्या बोलते हैं या फिर गौरव बंदा क्या बोलते हैं, उस तरीके से क्या हो जाता है कि आप फंस गए, उससे आपको स्पिरिचुअलिटी नहीं होता। इसीलिए सदगुरु बोलते हैं कि, सदगुरु बोलते हैं कि ट्रूथ डज नॉट नीड अथॉरिटी, ट्रूथ इज द अथॉरिटी बाई इटसेल्फ। तो अगर शिव जी ने बोला होगा या फिर किसी महान पुरुष ने बोला होगा या फिर मैं बोलूंगा, अगर आपके जीवन में वो काम नहीं करेगा तो कवाड़ी से कुछ भी, कवाड़ी और उसमें कोई अंतर नहीं है। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, जो कुछ भी कोई भी बोले, जैसे कि आपने कोई भी जान पहचान भी नहीं है, मगर अगर कोई आके आके आपको बोलता है, अगर आप उसको प्रयोग करेंगे और वो काम करता है, दैट इज द ओनली थिंग, दैट इज द ओनली थिंग अबाउट हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी। जो काम करता है सही है, जो काम नहीं करता है वो सही नहीं। मगर इसका अर्थ ये नहीं कि गुरु नहीं चाहिए, गुरु कृपा इज 100%, ठीक है, क्योंकि गुरु के बिना तो आपका साधना ही पूरा निरर्थक ही है, ठीक है। मगर मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि क्या होता है कि लोगों को एक सब्जेक्टिव बायस बन जाता है कि मैंने, सदगुरु जी ने तो ये सब बोला था मगर आप तो ये अलग बोल रहे हैं, या फिर मेरा एक्सपीरियंस तो मैच नहीं हो रहा। क्योंकि क्या होता है कि जो कुछ भी हम लोग पढ़े हुए हैं, सुने हुए हैं या फिर इस पॉडकास्ट से सुनते हैं ना, दीज आर ऑल मोस्टली कॉन्टेक्चुअल इन नेचर। कॉन्टेक्चुअल का मतलब क्या होता है कि जैसे कि आपने खाना खा लिया, ठीक है, खाना खा के बैठे हैं, तो आपको क्या होता है कि कुछ भी खाने का मन नहीं करता, ठीक है। मगर अगर मैं आपको एक मिठाई दूंगा तो मिठाई तो चला जाएगा, है नहीं, भूख भी नहीं है मगर चला जाएगा। तो ये सब कॉन्टेक्चुअल रहता है, ठीक है। तो लोग बोलेंगे कि, अगर बोलेंगे कि किसी ने बोला था कि मुझे आप चाय भी पीते हैं या फिर सदगुरु जी ने चाय पिया, तो लोगों को लगा कि अरे सदगुरु जी तो चाय भी पीते हैं, या फिर डोसा वगैरह पी लिया, फिर उसमें क्या रहता है आपका, प्याज वगैरह रहता है, लहसुन वगैरह रहता है, तो अरे लोगों को तो बताते नहीं ये खाते हैं, ये तो नहीं है, दीज आर ऑल कॉन्टेक्चुअल थिंग्स, ठीक है। तो हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी आप अभी तक जाने हुए हैं, जो कुछ भी आप नहीं जाने हुए हैं, उससे कोई अंतर नहीं है। वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनलाइटनमेंट, वी आर नॉट लुकिंग फॉर एनीथिंग, ठीक है। जो कुछ भी आपके पास संभावना है उसको पूरी से पूरी तरीके से खर्च करना है। जैसे कि अभी तक तो लोग बोलते हैं कि गरीब होने से मुझे बहुत डर लगता है, मगर लोगों ने गरीब होके नहीं देखा है अभी तक, ठीक है। और लोग बोलते हैं कि अमीर होने से इंसान पूरा करप्ट हो जाता है, ठीक है, मगर लोगों ने अमीर होके नहीं देखा है, ठीक है। तो उन लोगों ने वो पूरा पॉसिबिलिटी जो है वो एक्सप्लोर नहीं किया हुआ है। तो लोगों ने जो साधना है सदगुरु जी ने दिया हुआ है वो पॉसिबिलिटी को पूरी की पूरी तरीके से आप खर्च करेंगे ना, तभी पता चलेगा कि ये पॉसिबिलिटी आपको कहाँ तक लेके जाएगी, कहाँ तक लेके नहीं जाएगी। क्योंकि
क्योंकि मैंने बताया कि जो कुछ भी हम लोग करते हैं वो सबका अलग अलग संभावनाएं होते हैं। तो कुछ साधनाएं ऐसी होते हैं जिसकी वजह से आपको अलग अलग आयाम वगैरह के दर्शन हो सकते हैं, उसके अनुभव ले सकते हैं, उसको कैसे प्रयोग कर सकते हैं, वो सब आपका मिस्टिज्म या फिर रहस्यवाद के अंतर में आता है। और दूसरी चीज ऐसा होता है सिर्फ अनुभव, ठीक है, अनुभव है। किसी को ऐसा है कि जैसे कि बैठ जाओ आप, जैसे कि भक्ति साधना वगैरह करनी है, आपका अनुभव आ जाता है, मगर अनुभव की वजह से आपको अच्छा तो लगेगा, आप एक तरह के मुक्ति की स्थिति में तो रहेंगे, मगर आपको एक तरीके की स्पष्टता नहीं आएगी। इट विल नेवर कम, यू हैव टू मेडिटेट, देयर इज नो नो अल्टरनेटिव टू साधना, नहीं है, आपका क्लैरिटी नहीं आएगी। जितना भी आप एक्सप्लोर हो जाएंगे, मान लो कि आप एक्सप्लोसिव हो जाए, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ठीक है, मगर आप बोलना शुरू करेंगे तो लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग बचकानी बातें करते हैं, ठीक है। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आपको पूरे के पूरे जो भी साधना है उस तक को पूरी की पूरी तरीके से लाना है। अगर आपको पुश करना है तो आपको क्या करना है कि जजमेंटल और इक्वनमस स्टेट में जाना है। जज नहीं करना है मैं कहाँ पे हूँ, मैंने कितना साधन किया, कितना एक्सपीरियंस मैंने पैदा किया है, उससे कोई सरोकार नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको संभावनाएं करनी है। अगर आप चेतना की स्थिति में, जैसे कि मैंने बताया, चेतना की स्थिति में गए और आपने जो कुछ भी संभावना आपके पास है वो खर्च कर दिया, तो उसके बाद नया संभावना अपने आप खुल जाता है, वो अपने आप खुल जाता है, देयर इज नो अदर वे। तो ये है विशुद्ध आध्यात्मिकता। ओके अन्ना, नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि ये टॉपिक ही इस पॉडकास्ट के लिए हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी है, तो सारे ही क्वेश्चन लगभग लगभग हार्डकोर ही हाँ पूछने जी की जी कोशिश करूंगा सभी के लिए। अन्ना, सदगुरु कहते हैं कि वेटिंग इज द क्वालिटी नीडेड फॉर अ स्पिरिचुअल पर्सन और अ पर्सन ऑन स्पिरिचुअल पाथ। एंड ऑन द अदर हैंड ही सेज योर टाइम इज रनिंग, यू कैन डाई एनी मोमेंट। तो करेक्ट, ये जो दोनों स्टेटमेंट है, क्या एक दूसरे के लिए कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है? ऐसा मतलब है। आप मैं समझ गया आपकी बात। तो क्या होता है कि अगर आप जो बुद्धि प्रयोग करके देखेंगे ना, तो जो कुछ भी सृष्टि में सब कुछ आपको पैराडॉक्सिकल दिखेगा दिखेगा, ठीक है। जैसे कि जल जीवन भी दे सकती है, जल मृत्यु भी दे सकती है नहीं? हाँ, अग्नि खाना भी पका सकती है, आग जला भी सकती है, ठीक है। जो कुछ हम लोग अंधेरा मान सकते हैं वो उजाला भी हो सकता है, जो उजाला हम लोग मानते हैं वो अंधेरा भी हो सकता है। तो क्या होता है कि एवरीथिंग इज कॉन्टेक्चुअल। मैं फिर से बताऊंगा, मैंने ये इसलिए बताया क्योंकि जो प्रकृति हम लोग देख रहे हैं इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी कुछ भी नहीं है, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री। अगर मैं जो आपके प्रश्न में आऊंगा आप, तो सबसे पहले क्या है कि जो मृत्यु है वो तो यथार्थ सच है, मगर किसके लिए? सिर्फ शरीर के लिए, समझ गए? मैं आपको क्या बता रहा हूं, वो सिर्फ आपके शरीर के लिए है, और वो आपका मृत्यु है, आपका जो सचेतन चेतना है उसके लिए, जो कॉन्शियस मेमोरी है ना आपके पास, ठीक है, उसके लिए मृत्यु है। मगर सदगुरु बोलते हैं कि वो सचेतन जो भी कॉन्शियसनेस है और मेमोरी है वो तो सिर्फ 1% से भी कम है, ठीक है, वही चीज। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर जो कुछ भी हम लोग मृत्यु बोलते हैं वो हम लोग टाल नहीं सकते, उसको थोड़ा सा पोस्टपोन कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हर दिन खा रहे हैं ना, वो सिर्फ मृत्यु को पोस्टपोन करने के लिए, ठीक है, पहली चीज तो वो हो गया। तो क्या होता है कि मृत्यु तो जरूर आएगी, ठीक है। अब एक तरीके का पेशेंस की बात, वेटिंग की बात सदगुरु जो बोलते हैं वो इसलिए जरूरी है क्योंकि, मगर उसमें भी एक अलग चीज है, ठीक है, दैट इज कॉन्टेक्चुअल, जो सतगुरु जी ने वो बोला है कॉन्टेक्चुअल है, मगर लोगों ने थोड़ा सा गलत अर्थ डाला है। क्योंकि क्या होता है कि वेटिंग इज ऑल्सो इन इट हैज गॉट लाइक टू डिफरेंट मीनिंग्स, ठीक है, उसमें दो अलग चीजें हैं। पहली चीज तो क्या होता है कि आप किसी का इंतजार कर रहे हैं ना, दैट इज एक्चुअली अ रॉन्ग वर्ड एक्चुअली, ठीक है। हाँ, इज एक्चुअली टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ द डिवोशन, ठीक है, मगर मैं उसमें आऊंगा। मगर सबसे पहले इसको क्लैरिफाई कर दो, क्योंकि वेटिंग आप उसी का कर सकते हैं जो आपको पहले से ही पता है ना। जैसे कि मान लो कि हम लोग ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो राम अन्ना 1 बजे आएंगे पॉडकास्ट के लिए, तो आप वेट कर सकते हैं ना, तो आपको पता है। मगर जिस चीज को हम परब्रह्म बोलते हैं या फिर शिव जी बोलते हैं या फिर सदगुरु बोलते हैं, जो उनका निराकार रूप वगैरह है,
जो कुछ भी आप सच बोलते हैं या फिर सत बोलते हैं या फिर ट्रूथ बोलते हैं, एनलाइटनमेंट जो कुछ बोलते हैं, वो तो हम लोगों को पता नहीं है नहीं? ठीक है, तो जो कुछ हम लोगों को पता नहीं है तो उसका वेट कैसे कर सकते हैं? उसको वेट तो नहीं कर सकते, ठीक है? तो उसको वेट नहीं कर सकते, इसकी वजह से हम लोग को करना क्या आ गई, जो कुछ भी चीजें हम लोग कर सकते हैं वो सब करके एक तरीके से उसको आगमन करने के लिए हम लोग प्रतीक्षारत कर सकते हैं, ठीक है? तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि हिंदी में एक होता है कि हिंदी में बहुत सारे वर्ड हैं, संस्कृत में तो बहुत सारे वर्ड हैं, दिस इज द लिमिटेशन ऑफ द वर्ड ऑफ इंग्लिश, ठीक है? हम लोग वेट नहीं कर रहे हैं, मगर हम लोगों को पता है कि जो कुछ भी हम लोग कर सकते हैं, दैट इज वेयर द हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी कम्स इन। तो जो कुछ भी संभावना है अब उसका खर्च करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, सिर्फ परब्रह्म ही रह जाएगा, है नहीं? जब आपने सब कुछ खर्च कर लिया, खर्च करने के लिए कुछ भी बाकी नहीं रहेगा, तो क्या वो बाकी रह जाएगा? सिर्फ वही तो बाकी रहेगा, है नहीं? हाँ, तो एक तरीके से क्या आगे, मृत्यु तो मैंने बोल दिया कि वो टल नहीं सकता, वो तो जरूर आएगा, मगर क्या होता है कि जब मृत्यु आ रहा है तभी आपको पता चलेगा कि ये समय कितना अमूल्यवान है, ये आप कहीं से खरीद भी नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। तो क्या होता है कि अगर आप है कि मृत्यु आ रही है और हम लोग सदगुरु बोल रहे हैं कि वेटिंग नेचर की जरूरत है, ठीक है, वो डिवोशन की तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि विदाउट द डिवोशन और द लविंग इन योर हार्ट, सदगुरु यूज करते वर्ड, आप वेट नहीं कर सकते। मगर वेट करने के लिए तो क्या होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए कि आप किसके वेट कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, तो मगर ऐसा होता है कि अगर आप किसी चीज पता है वो आने वाला है, तो द मोमेंट यू नो व्हेन इट इज कमिंग, आप वेट करने की क्षमता आपसे वो छूट जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि महाशिवरात्रि आ रहा है, आपको पता है कि अच्छा महाशिवरात्रि आ रहा है, आप वेट कर रहे हैं, तो आपको पता चला कि 2-3 दिन में महाशिवरात्रि आ रहा है, आप छटपटाहट शुरू हो जाएगी कि आप महाशिवरात्रि शुरू होने वाले, ठीक है? जैसे कि पॉडकास्ट शुरू होने वाले, आपको छटपटाहट हो जाएगी, मुझे प्रिपरेशन करना है, ये सब करना है, तो ये डिवोशन की बात नहीं है। तो क्या होता है कि जब आपको पता नहीं है कुछ भी, जब आपको पता कुछ भी नहीं है, तब वेटिंग करना इज अ कंप्लीटली डिफरेंट गेम, है नहीं? जो चीज आपको पता भी नहीं है, तो एज अ थिंकिंग पर्सन, जैसे कि आपने प्रश्न पूछा, जो इंसान प्रश्न पूछता है वो वेट नहीं कर पाएगा, ठीक है? अगर मुझे पता भी नहीं है मैं किस चीज का वेट कर रहा हूं, है नहीं, देन वेटिंग इज अ पेनफुल प्रोसेस, ठीक है? मगर अगर आपको पता है कि जो कुछ संभावना है, जैसे कि सदगुरु जी हम लोग साथ साथ देख सकते हैं, ये इज अ पॉसिबिलिटी फॉर एवरीवन, ठीक है? सदगुरु जी ने जो साधना वगैरह दिए गए, तो ये हैज गिवन अ पॉसिबिलिटी, मगर हम लोग को पता नहीं कि वहां तक पहुंचना कैसे है, ठीक है? तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो कुछ भी साधना उन्होंने दिया हुआ है, तो उसको पूरी की पूरी तरीके से समर्पण भाव से और भक्ति से हम लोग करें, ठीक है? और वो अपने आप हो जाएगा, ठीक है? दैट इज द वे ऑफ द नेचर ऑफ द जो वेटिंग सदगुरु जी बोल रहे हैं। मगर इसमें क्या होगी, जैसे मैंने पहले भी बताया, अगर आप मन की तरीके से देखेंगे तो उसमें हमेशा एक तरीके का टकराव आ जाता है, इट्स अ पैराडॉक्सिकल थिंग, क्योंकि कर्मयोगी अगर देखेंगे तो वो देखेगा कि आई एम अ प्रोसेस ओरिएंटेड पर्सन, ठीक है? वो सिर्फ प्रोसेस करता जाएगा, ध्यान करेगा, पूजा करेगा, पाठ करेगा, सब कुछ करेगा, या फिर साधना वगैरह करेगा, दैट इज हिज अप्रोच। मगर जो भक्ति योग वगैरह होता है उसके लिए तो समय का को ही निरर्थक है। वन हु इज अ डिवोटी देयर इज नो टाइम लाइन, क्योंकि उसको तो इतना आनंद आ रहा है भक्ति में डूब के ही, उसको आनंद आ रहा है कि जहां भी देखो वहां पे अपने जो आराध्य को दिखाई देता है, तो आराध्य आएंगे वो भी ठीक है, नहीं आएंगे वो भी ठीक है, तो दैट इज द नेचर ऑफ द नंदी। तो सदगुरु जी वही बोल रहे हैं कि अगर आपको पता भी नहीं है कि क्या है, ठीक है, क्या आने वाला है, क्या होता है, तो यू हैव टू बी इन अ वेटिंग मोड, इन अ सेंस ऑफ अ डिवोशन, सिर्फ वेट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वेट करेंगे बैठेंगे कि जैसे कि सदगुरु जी बोलते हैं कि शिव जी को लोगों ने नहीं देखा है, सिर्फ उनको कैलेंडर इमेज से देखा हुआ है, ठीक है? तो आप बैठेंगे तो मान लीजिए कि आप जैसे कि काशी वगैरह जाएंगे या फिर पशुपतिनाथ जाएंगे या फिर उज्जैन वगैरह जाएंगे, तो वहां पे तो बहुत सारे साधुएं शिव जी के वेश में आएंगे, है नहीं? तो अगर उस तरीके से वेट करेंगे तो आ भी सकते हैं, मैंने कहता, और एक तरीके से देंगे ना, सब में शिव ही है,
मगर अ पर्सन हु इज इन अ साधना एंड एवरीथिंग, ही हैज टू हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु, दैट इज द वन थिंग, ठीक है। मगर अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि लोग बोलते हैं कि अच्छा 1 मिलियन कपालभाति करना है, ठीक है, तो ही गोज ऑन कैलकुलेटिंग, ठीक है। तो यू कैन डू फॉर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, मगर उससे उतना लाभ नहीं होने वाला, क्योंकि आपका जो जीवन है वो सिर्फ कैलकुलेट माइंड से नहीं चलने वाला, तो एक तरीके का समर्पण भाव चाहिए होता है। तो एक कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है। तो व्हेन यू नो यू आर गोइंग टू डाई, दैट इज व्हेन इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू नो, जब आपको पता नहीं होगा कि मुझे पता नहीं कि मैं किस चीज का वेट कर रहा हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोग ने एक बार भी प्रश्न पूछा था कि अन्ना आप एनलाइटनमेंट हो, एनलाइटन हो या फिर क्या है, या फिर आप एनलाइटनमेंट क्यों नहीं हुए अभी तक, ऑल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस विल कम, ठीक है। अगर मुझे आप पूछेंगे, क्योंकि हार्डकोर है, मैं वो सही उत्तर था, मुझे नहीं पता है कि एनलाइटनमेंट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि एनलाइटनमेंट जो चीज की हम लोग बात कर रहे हैं, इट्स जस्ट अ वर्ड फॉर एवरीवन, है ना। एक तो एक शब्द ही है, हम लोग एक किसी चीज को लेवल कर रहे हैं, मगर जीवन इतना प्रोफाउंड है, इतना इसका इसका प्रभुत्व इतना है कि उसको लेवल करना मूर्खता है। इसको लेवल नहीं कर सकते। जीवन तो क्या है कि एक तरीके के चरम सीमा में जाके, चेतना के स्तर में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये जीवन क्या है, ये जीवन क्या नहीं है। तो मुझे नहीं पता कि उसको क्या बोलते हैं, मगर उसको एक शब्द में अगर आप सीमित करना चाहेंगे तो ये बहुत बड़ी मूर्खता है। जैसे कि सदगुरु जी बोलते हैं कि टू डिक्लेयर योर सेल्फ एज एनलाइटेंड बींग इज अ सैक्रिलेज थिंग फॉर हिम, ठीक है। आके मैं एनलाइटनमेंट हूँ और आप लोग मेरी साधना करें, सैक्रिलेज। मगर अगर वो नहीं करेंगे तो इतने सारे लोग जो अभी रूपांतरित हुए हैं वो भी संभव नहीं था। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वे। तो जो कुछ भी है, अगर आप साधना करेंगे गुरु की, जो गुरु ने जो आपको इंस्ट्रक्शन वगैरह दिया गया है, मार्गदर्शन दिया गया है, अगर आप वो पूरी तरीके से प्रयोग करेंगे तो जो कुछ भी होना है वो सबके लिए संभव है। अगर नहीं संभव होता तो हम लोग ये पॉडकास्ट करने की भी जरूरत नहीं होती है। तो आई थिंक यू गॉट द आंसर। जी हाँ। यस अन्ना, ओके अन्ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हर किसी को पता है कि हमने एक ना एक दिन मरना है, और जरूरी नहीं है कि हमारा टाइम फिक्स हो, वी कैन डाई एनी मोमेंट। सो हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस इन आवर लाइफ, और हाउ कैन वी मेक इट अ लिविंग रियलिटी फॉर आवर सेल्फ दैट वी कैन डाई इन द नेक्स्ट मोमेंट और इन दिस मोमेंट। इसको हम अपने अंदर कैसे बिठा सकते हैं, ये मेरा पर्सनल क्वेश्चन है। हाँ जी, ठीक है ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को जानने की जरूरत है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में ज्यादा सोचेंगे ना, ठीक है, वो आपके जीवन में हकीकत हो जाएगी, दैट इज 100% ट्रू, ठीक है। तो क्या होता है कि हम लोगों को मृत्यु को इस तरीके से नहीं देखना है कि मृत्यु आएगी और हर बार सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको थैंक एक तरीके का रियलाइजेशन होने की जरूरत है कि एक तरीके का आपको रियलाइजेशन होने की जरूरत है कि मैं एक दिन मर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं एक दिन मर सकता हूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ इस जीवन के लिए, ठीक है। जैसे कि मान लो कि आपके लिए 100 रुपए है, ठीक है, उसके बाद 1 रुपया भी नहीं मिलेगा आपको, ठीक है, तो उस 100 रुपए का आप क्या करेंगे, ठीक है। जीवन भी वही है, ठीक है। जो भी हम लोग बात कर रहे हैं, लोग बोलते हैं कि टाइम इज मनी, मगर टाइम इज नॉट मनी, टाइम इज लाइफ। वो चला जा रहा है, ठीक है, मगर इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा और इससे समाधान आएगी क्या, नहीं आएगी, है नहीं। हाँ, सब कुछ छोड़ने से तो समाधान नहीं आएगी, है नहीं। जैसे कि मान लो कि मेरा जीवन खत्म हो रहा है तो मैं जॉब भी छोड़ दूंगा, वो भी करूंगा, तो उसके बाद क्या हो जाएगा कि आपका जीवन और जल्दी से खत्म हो जाएगा, क्योंकि अब आपके जीवन को सुरक्षित रखने करने के लिए, उसको सपोर्ट करने के लिए इकोसिस्टम खत्म हो गया, है नहीं। हाँ, तो इसी लिए हम लोग पहले से साधना की जो बात कर रहे थे उसकी वजह क्या आ गई, चेतना। जब आपको चेतना का स्तर अगर बढ़ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, मैं कौन नहीं हूं, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि ये शरीर क्या है और मरना क्या होता है, जीना क्या होता है, ठीक है। तो आपने समयमा का कार्यक्रम भी आपने किया हुआ है, तो अगर आप वो साधना करते जाएंगे तो
आप ऐसी चरम स्थिति में पहुंच जाएंगे कि आप मृत्यु और जीवन को एक साथ देख सकते हैं, वो सब अनुभव कर सकते हैं। दैट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर एवरीवन। ठीक है, अगर आप में वो एक तरीके का अनुभव आ जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा कि अरे ये तो सब भ्रम है। जो कुछ भी हम लोग फंसे हुए हैं, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, जिस चीज को हम लोग जीवन बोलते हैं, वो सब सिर्फ क्या है, एक तरीके का अनुभव ही है। हाँ, जो कुछ हम लोग जानते हैं उसको जीवन मान रहे हैं, जो कुछ हम लोग नहीं जानते हैं उसको या तो रास्ते बात बोलते हैं, या फिर डर बोलते हैं, या फिर मृत्यु बोलते हैं, अनसर्टेनिटी बोलते हैं, सब कुछ बोलते हैं। ठीक है, जीवन जैसे कि मैंने बताया, जैसे कि सतगुरु जी बता देंगे, जो कुछ आपकी अनुभव में सबसे पहले वहां से शुरू करना है। ठीक है, वहां से शुरू करना है। ऐसा नहीं है कि आप, जैसे कि मान लो कि आप अच्छे स्थिति में हैं, आप अभी अभी कॉलेज वगैरह से बाहर निकले हुए हैं, और आप करेंगे कि जैसे कि सदगुरु कहाँ पे खड़े हैं आप वहां से शुरू करना चाहेंगे, या फिर राम अन्ना कहाँ से शुरू होने वहां से करना चाहेंगे, या फिर गौरव अन्ना कहाँ से शुरू है वहां से करना चाहेंगे, तो उससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले, इसलिए मैंने विशुद्ध स्पिरिचुअलिटी की बात मैं इसलिए कर रहा था कि जो सदगुरु जी बोलते हैं, जो मैंने बोला है, जो आप भागवत गीता में पढ़ते हैं या फिर कोई भी किताब से पढ़ते हैं, उस सबको साइड पे रखना है, और आपको सिर्फ साधना पे ध्यान करना है, ताकि आपको जो कुछ भी पता ना है वो पता चल जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि यू शुड नॉट बी थिंकिंग टू मच अबाउट डेथ। सदगुरु जी भी वही बोलते हैं, आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि ये शरीर एक दिन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसका अर्थ ये नहीं है कि अरे सब कुछ बेकार हो गया, मैं खेती बाड़ी भी नहीं करूंगा, मैं जॉब भी नहीं करूंगा, मैं शादी भी नहीं करूंगा, मैं कुछ भी नहीं करूंगा, तो उसके क्या हो जाएगी, मृत्यु और भी नजदीक आ जाएगी, वो पहले पहले आ जाएगी, जो होने वाला था पहले आप उसको एक्सेलरेट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या होता है कि अभी जो जीवन चल रहा है, उस जीवन को अपनी चरम सीमा में पहुंचाना है। ठीक है, चरम सीमा में पहुंचाना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि ये जीवन क्या है आखिर। हम लोगों को मृत्यु के बारे में जानने की जरूरत नहीं है, जीवन क्या है जानने की जरूरत है। अगर आप जीवन को जानेंगे तो मृत्यु अपने आप जान जाएंगे आप, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों में कोई भेद नहीं है। तो जैसे सदगुरु बोलते हैं, जब हम लोग जी रहे हैं, इसको एक तरीके से देख सकते हैं, जैसे सदगुरु ने बहुत क्लासिक एग्जाम्पल दिया था और ये सही भी है। वो लोग वो बोलते हैं कि जैसे कि जब आपका जीवन हो गया, आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि मैं जी रहा हूं, या फिर एक तरीके से बोल रहा हूं कि मैं मर रहा हूं। ठीक है, तो जीना भी एक तरीके से अपने आप चल रहा है, और मरना भी अपने आप चल रहा है नहीं? हाँ, क्योंकि एक तरीके से तो एक तरीके से टाइमर टाइमर ही है ना, तो हम लोग स्लोली मर रहे हैं। और जब मृत्यु, जिसको लोग मृत्यु बोलते हैं, शरीर का मृत्यु जो बोलते हैं, तब क्या होगा कि वो पूरा खत्म हो गया, वो तो वो काउंटडाउन कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो वही, इससे डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर लोग बताते हैं कि अगर आपको कहीं भी गुरु नहीं मिला, तो सबसे सतगुरु और सबसे गुरु जो है वो मृत्यु है। मृत्यु इज द फर्स्ट एंड लास्ट गुरु टू एवरीवन। ठीक है, उसी की वजह से आपको पता चल जाएगा कि आपकी चेतना भाव कितना है। ठीक है, अगर आपने मृत्यु को देख लिया है, तो आपका चेतना स्तर बढ़ गया है, और वो सबके लिए बढ़ता है, ऐसा नहीं है। मगर जो चेतना भाव है, वो लंबी समय तक कोई भी उसको रखना नहीं चाहता, पहली चीज, क्योंकि लोग, जो कुछ लोगों को पता नहीं, वो पहले से डर जाते हैं। ठीक है, अगर आप डर जाएंगे तो आप उसको अपने पास नहीं रख सकते हैं, नहीं, तो वो चीजें रहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो भी मृत्यु वगैरह है, उसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मगर जो भी जीवन की संभावना है, उसको आपको पूरी की पूरी तरीके से व्यक्त होने की छूट देनी है उसके लिए। ओके ओके ना अच्छा अब ये भी मेरा पर्सनल क्वेश्चन ही समझ सकते हैं कि सपोज अच्छा हम लोग एक ऐसे फेज से गुजर रहे हैं जहां पर वी आर नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली, और जिसकी वजह से हो सकता है कि हमारी बॉडी वीक हो रही हो। ऐसे में हम लोग जो हमारी हठ योगा की प्रैक्टिसेज है या कोई भी जो भी साधना है जिसमें हमारी बॉडी का बहुत ज्यादा यूज होता है, हम वो अच्छा साधना उस समय पे कैसे मेंटेन कर सकते हैं? मतलब आप बता रहे हैं कि शरीर को मेंटेन करने के लिए हठ योग वगैरह की बात कर रहे हैं आप? सपोज सपोज कि हम लोग ना, जैसे मान लो कि आज एक दिन है, इस दिन हमने सुबह से लेकर शाम तक खाना नहीं खाया,
एंड जी हाँ वी आर फीलिंग हंग्री, और हम लोग जो है थोड़ा कमजोर भी फील कर रहे हैं, हाँ जी तो हाँ इस केस में हम अपनी साधना को कैसे मेंटेन कर सकते हैं? नहीं, ऐसी ऐसी चीज है कि साधना का अर्थ सिर्फ वही नहीं करना होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया। मैं गुरु नहीं हूं तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, मगर हालांकि क्योंकि आपने प्रश्न पूछ लिया तो मुझे इसका उत्तर देना जरूरी है। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि साधना का अर्थ सिर्फ डेडिकेटेड प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। जो भी आप लोग जैसे कि हठ योग बोलते हैं या फिर क्रिया योग बोलते हैं, जो कुछ भी शांभवी शून्य वगैरह जो कुछ भी है, वो साधना है कि अपनी अपनी संभावना है, ठीक है। वो संभावना है उसका एक निश्चित समय निर्धारण किया गया है, क्योंकि अगर वो ज्यादा आप करेंगे तो आपका शरीर उसको उसको संभाल नहीं पाएंगे। देयर इज अ डोसेज, जैसे कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर भी आपको निश्चित तरीके से एक डोसेज देंगे, है नहीं? हाँ, तो क्या होता है कि अगर आप मेंटेन नहीं कर पाएंगे तो उसके लिए भी बहुत सारी चीजें हैं। मैं ज्यादा स्पॉइलर तो नहीं दूंगा, मगर आप विजुलाइजेशन वगैरह कर सकते हैं। जैसे कि आप ट्रैवल कर लिया तो आप विजुलाइजेशन वगैरह कर सकेंगे, अगर आप बहुत बिजी हैं, और आप बहुत सारे बिजी हैं तो आप कर्मयोग या फिर भक्ति योग का आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। सबसे जरूरी चीज ये है कि आप अब भटके नहीं, क्योंकि अंत में क्या है कि मुख्य चीज क्या है कि जैसे कि अगर आप हठ योग वगैरह करेंगे तो उसका एक मकसद रहता है कि जो भी आपका जो कर्म वगैरह है उसको एग्जॉस्ट करना, क्योंकि कर्म सिर्फ आपका निजी कर्म नहीं रहता, ठीक है। जो शरीर आपने ली हुई है वो शरीर का भी अपना कर्म रहता है, ठीक है। तो शरीर अपना काम करने की कोशिश करेगा, आपका इच्छा अलग है, तो शरीर का अपना कर्म रहता है। तो शरीर का कर्म को खर्च करने के लिए, जैसे कि एग्जॉस्ट की बात मैं कर रहा था, तो इसके लिए आप हठ योग कर सकते हैं। तो अगर आप सुबह ही करके आप हठ योग वगैरह करेंगे तो जो प्रारब्ध ने आपको उस दिन के लिए जितना कर्म दिया हुआ था इस शरीर को काम करने के लिए, तो वो कर्म आप खर्च करेंगे तो उसके बाद आपका शरीर आपको तंग नहीं करेगा, तो आप दिन भर आप जो चाहें आप कर सकते हैं। मगर आप वो कर्म खर्च नहीं करेंगे तो वो कर्म आपको चिढ़ाता रहेगा। तो उसको अगर आप उस कर्म से मुक्त होना चाहते हैं तो या तो कर्म योग करना पड़ेगा या फिर भक्ति योग करना पड़ेगा। ज्ञान योग से तो वो होने वाला नहीं है वो तो ये चीज है, मगर क्रिया योग वगैरह करते हैं तो उससे आपको सहजता हो जाएगी। हाँ ओके, क्योंकि वाह, क्या होता है कि जो अमेजिंग हम लोग कर्म बोलते हैं सिर्फ हमारा ही कर्म नहीं है, क्योंकि जो अस्तित्व बोलते हैं अस्तित्व का भी अपना ही कर्म रहता है, ठीक है। इसलिए क्या होता है कि जैसे कि अभी हम लोग सेफ सोल की बात कर रहे हैं, सेफ सोल एक हमारा निजी कर्म नहीं हो, आपका निजी कर्म आप हैं, तो आप निजी कर्म को आप खर्च करके आप एक तरीके से अगर नया कर्म नहीं बनाएंगे तो आप मुक्त हो सकते हैं आराम से। मगर जो सेफ सोल की बात कर रहे हैं वो निजी कर्म नहीं है, उसको बोलते हैं कलेक्टिव कर्म, ठीक है। वो सब लोगों का कर्म है, जैसे कि हम लोग प्लास्टिक प्रयोग करते हैं वो भी कर्म है। सिर्फ अच्छी कर्म नहीं है, बुरी कर्म में कुछ नहीं होता है, मगर क्या होता है कि जब हम उसका नेगेटिव रिजल्ट देखते हैं तो हम उसको लेबल करते हैं नेगेटिव कर्म, क्योंकि अगर आप अस्तित्व की दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें कोई भी अच्छी और बुरी चीजें नहीं होती हैं, उसमें अच्छी कर्म ही नहीं होती है, बुरी कर्म ही नहीं होते हैं, उसमें से कर्म ही रहता है। तो जिस तरीके से आपका अस्तित्व भी एक तरीके से मोमेंटम में जा रहा है, हम लोग भी एक मोमेंटम में जा रहे हैं, ठीक है। तो सबको भुगतना पड़ेगा ओके अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये जनरली बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम लोग इंटेंस साधना करना चाहते हैं, पर जो बाहर की सिचुएशंस है जैसे फैमिली और फाइनेंस, लाइक कि फैमिली की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस ऐसे भी हो सकते हैं कि वो व्यक्ति फैमिली छोड़ के नहीं जा सकता, एक रेस्ट्रिक्शन उसके लिए ये भी हो सकता है। तो मैं इस वाले केस की बात कर रहा हूँ कि फैमिली और फाइनेंस, इन दोनों की वजह से वो अपनी साधना इंटेंसली नहीं कर पा रहा है, तो इस केस में उसे अपनी साधना को कैसे अप्रोच करना चाहिए? मैं आपको इसका बहुत सरल उत्तर दे देता हूं आपको। सबसे पहली बात तो ये है कि जिस चीज को हम लोग परिवार बोलते हैं या फिर समाज वगैरह बोलते हैं, उसको एक तरीके से व्यवधान की तरीके से नहीं देखना है, सबसे पहली चीज, ठीक है।
क्योंकि अभी लोग बोल रहे हैं कि अगर मैं आश्रम जाऊंगा तो मैं साधना बहुत कर पाऊंगा, मगर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है जो आश्रम जाके भी दे आर टॉर्चर्ड, वो उन लोगों को वहां भी पीड़ा हो रहे हैं। ठीक है, तो इट्स नॉट करेक्ट दैट कि आप जैसे कि घर पे रहेंगे तो साधना नहीं कर पाएंगे, वहां जाएंगे तो नहीं कर पाएंगे। अगर आप घर पे हैं तो और भी शक्तिशाली साधना कर सकते हैं, जैसे कि भक्ति योग हो गया, कर्म योग वगैरह कर सकते हैं, जैसे कि समर्पण भाव से करेंगे तो हो सकता है। पहली चीज वो हो गया। दूसरी चीज ये है कि आपको जो भी साधना वगैरह है, जो ईशा के, मैं दूसरी साधनाओं के बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मैंने दूसरी चीजें नहीं की हुई है दूसरी जगह से, मगर ईशा का जो शांभवी महामुद्रा क्रिया है, अगर वो आप करेंगे तो लोग सोचते हैं कि एक एक तरीके का दुर्बलता है। लोग अभी वो सोचते हैं कि अगर आप साधना करेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे, मगर आप, मैं आपको बताता हूँ कि जो शांभवी महामंत्र क्रिया है वो दुर्बलता नहीं, वो सफलता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे कि मान लो अगर आप साधना नहीं कर पाएंगे तो कितने घंटे तक सोना पड़ेगा, 8 घंटे, 9 घंटे, वो भी थकावट होती है, चाय पीना पड़ेगा, कॉफी वगैरह पीना पड़ेगा, रेडबुल वगैरह पीना पड़ेगा। ठीक है, मगर अगर आप शांभवी महामुद्रा करेंगे तो 5 घंटे से ही सोने से ही पहुंच जाएंगे, है ना। तो आपके पास एक्स्ट्रा 5 घंटा आ गया है, तो वो 5 घंटे में आप अपने परिवार से घूम सकते हैं, परिवार को यहाँ वहां लेके जा सकते हैं, उनके लिए समय निकाल सकते हैं, है ना। हाँ, क्योंकि अंत में जाके क्या है कि अगर आप किसी से इस जीवन में जुड़े हुए हैं, वो भी आपके लिए एक तरीके का कर्म को खर्च करने का एक जरिया है। ठीक है, एक मकसद है, क्योंकि जिन जिन लोगों से आप मिले हुए हैं ना अभी, उनसे वो एक कर्म की वजह से ही आप मिले हुए हैं, जिसको हम ऋणानुबंध बोलते हैं। ऋणानुबंध का अर्थ होता है, जैसे कि हम लोगों ने पिछले बात भी थोड़ा सा एक्सप्लोर किया होता है, उसका अर्थ क्या होता है कि ऋण और बंधन, जिससे आप लेना और देना है, जिसके साथ बाकी है, तो उसी से मुलाकात हो रही है सबके साथ। हाँ ठीक हो। तो अगर आप वो अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे घर पे, उनको समर्पण भाव से खर्च नहीं करेंगे, तो मान लो कि आप उनसे छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे, मगर वो आप आपके पीछे आ जाएंगे पूरा का पूरा। ठीक है, शारीरिक रूप से आने की जरूरत नहीं है, ठीक है, सिर्फ एक तरीके का इंटेंशन ही काफी है। इसीलिए लोग बोलते हैं ना कि किसी की नजर लग जाए, लग गई वगैरह वगैरह, वो भी कार्मिक ही है वो पूरा। ठीक है। ओके हाउ कैन वन इंटेंसली डू देयर साधना एंड बी प्लेफुल और इन्वॉल्व विद आउटसाइड सिचुएशंस तो अगर जैसे। आपको ये करना है तो हाँ सबसे पहले तो आपको इनर इंजीनियरिंग खत्म करने की जरूरत है। सबसे पहले सिर्फ खत्म करने की जरूरत नहीं, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, वो लोग शांभवी तो बहुत करते हैं, मगर उन लोगों ने पूरा जो इनर इंजीनियरिंग का जो क्रक्स था ना, जो चीज, वो सब भूल गए वो लोग। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, साधना तो हो रहे हैं मगर उनके जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव आ रहे हैं और वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं जीवन के बारे में। इसका मतलब क्या है कि संभव असंभव ही हो रहे हैं, मगर उन लोगों ने इनर इंजीनियरिंग का जो मकसद था वो सब भूल गए लोग। दे हैव लॉस्ट द मीनिंग ऑफ द इनर इंजीनियरिंग। तो क्या होता है कि मैं आपको बता दूं, ये बताने की जरूरत भी है। तो क्या होता है कि इसमें क्या है कि इनर इंजीनियरिंग का मतलब सिर्फ शांभवी महामुद्रा क्रिया नहीं है उसमें। तो उसमें दो चीजें होती है, एक होता है आपका इनर इंजीनियरिंग क्लासेस होती है और दूसरा होता है शांभवी महामुद्रा क्रिया। तो जो इनर इंजीनियरिंग क्लासेस होती है वो आपके मन और भावनाएं को एड्रेस करती है। ठीक है, तो अगर आपके अंदर जो भी लड़ाई भी, जो भी संग्राम चल रहा है, जिसकी वजह से आपको एक तरीके का फ्रिक्शन आ रहा है आपके अंदर, और देखते हैं कि इसकी वजह से नहीं हो रहा साधना, उसकी वजह से नहीं हो रहा है, इसका मकसद क्या है कि आपने वो पूरी तरीके से नहीं जिए हुए हैं आप। ठीक है, तो आपको पूरी तरीके से जीना है तो क्लासेस पे फिर से जाइए। दूसरी चीज होता है शमय महामुद्रा क्रिया, जो आपकी ऊर्जाओं और आपके शरीर के लिए एड्रेस करती है। ठीक है, तो ई दिस टू आर कंप्लीट पैकेज। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैंने सांभव किया है, साधना किया है, कुछ भी काम नहीं कर रहा है। तो आप सिर्फ दो पहिया ही यूज करेंगे कार की, तो दूसरे दो पहिया कहाँ पे जाएंगे, है नहीं। हाँ, तो आपके चारों के चारों के 4WD यूज करने की जरूरत है। ठीक है, तो पहली चीज हो गया। और आपको एक तरीके से प्लेफुलनेस की बात करेंगे तो ईशा वॉलंटियरिंग करने की जरूरत है, ईशा वॉलंटियरिंग की जरूरत है करने के लिए। मगर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको
स्पिरिचुअलिटी को इंटेंस करवाना है या फिर साधना वगैरह करवाना है, तो कभी भी जान पहचान वालों के साथ जाके वॉलंटियरिंग मत कीजिए, ठीक है। महाशिवरात्रि में जाएंगे तो अपनी ही जान पहचान के साथ बैठेंगे, वॉलंटियरिंग करेंगे अपनी ही जान पहचान के साथ करेंगे, तो इट इज नॉट गोइंग टू वर्क दैट वे। क्योंकि क्या हो जाता है कि दे विल ऑलवेज रीइंफोर्स योर लिमिटेशन, ठीक है। जैसे कि आपको ये नहीं करना है, दूसरा बंदा आके, अच्छा आप छोड़ दीजिए मैं कर लेता हूँ, ठीक है। दैट वे यू विल नेवर ब्रेक योर लिमिटेशन। जैसे कि आप इनर्जी क्लास में जाते हैं, आपको पोछा मारना होता है, आपको जैसे कि साफ सुथरा करवाना रहता है, चप्पलें मिलाने की जरूरत है, नमस्कारम करने की जरूरत है। जो जैसे कि मान लो कि आप अपना कमरा कभी भी साफ नहीं करते हैं, मगर आप वॉलंटियरिंग करते वक्त साफ करेंगे, है नहीं कुछ ना कुछ, है नहीं हाँ मगर आप जान पहचान के साथ जाएंगे तो यू विल नेवर बी एबल टू ब्रेक दैट लिमिटेशन। क्योंकि जब आप जान पहचान वाले जो भी स्ट्रेंजर के साथ जो कुछ भी आप तरीके एक तरीके समर्पण भाव करेंगे ना, तो उसके बाद प्लेफुलनेस आ जाएगी थोड़ी बाद में। क्योंकि जो कुछ भी हम लोग इनर इंजीनियरिंग बोलते हैं, जैसे कि मैंने भी टी शर्ट पहना हुआ है, इसका मकसद ही ये है कि जो कुछ भी प्लेफुलनेस आता है वो अंदर से आता है, जो कुछ भी पेन मिजरी सफरिंग सब कुछ आता है वो अंदर से आता है। एक्सटेसी मान लो या फिर ब्रह्मत्व मान लो, एनलाइटनमेंट मान लो, या फिर शिव जी मान लो, या फिर सदगुरु जी बोलते हैं, वो सब कुछ अंदर से ही आता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आपको प्लेफुलनेस करने की जरूरत है, तो सबसे पहले आपको इनर इंजीनियरिंग क्लास जाने की जरूरत है। अगर वहां जाएंगे और वो प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि जब आप सिर्फ ईशा प्रोग्राम में वॉलंटियरिंग करने जाएंगे तभी नमस्कार हम करेंगे, ठीक है। आपको नमस्कार हम करने की प्रैक्टिस करने की जरूरत है सब कुछ के लिए। एक तरीके का देखिए, आपको बाहर से नमस्कारम करने की जरूरत नहीं है। अगर आप बाहर से ही नमस्कारम करना शुरू कर देंगे घर में, तो लोग बोलेंगे ये पागल हो गया, ठीक है। आपको बाहर से नमस्कारम करने की जरूरत नहीं है, आपके मन के अंदर से आप एक तरीके से नमस्कारम कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि सदगुरु जी बोलते हैं ना कि योर एक्शंस आर लिमिटेड बट योर विलिंगनेस इज नेवर लिमिटेड, ठीक है। तो ये चीज लोगों ने खो दिया है वो, ठीक है। अगर इस तरह का फाउंडेशन नहीं है ना, तो क्या हो जाता है कि आप मैं आप क्योंकि आपने प्रश्न पूछ लिया, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है, ठीक है, फाउंडेशन नहीं है, जो सदगुरु बोलते हैं इंक्लूसिवनेस, अगर इंक्लूसिवनेस की भावना आपके अंदर नहीं है, अगर आपने पूरे के पूरे चक्र भी एक्टिवेट कर लिए ना, तो आप चक्रेश्वर नहीं होंगे, आप हो जाएंगे ब्रह्म राक्षस हो जाएंगे आप। इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी डेंजरस। दैट इज अ पॉसिबिलिटी फॉर एवरीवन। दैट इज द रीजन, लाइक आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों का किसी वजह से, जैसे कि कोई LSD वगैरह या फिर कोई इनर्जी स्पेस में चले गए या फिर तंत्र वगैरह की परिधि में आ गए, और उनका कुंडलिनी अवेकन हो गया, ठीक है, अवेकन हो गया कुछ वजह से, ठीक है, मगर उनमें वो बैलेंस नहीं है, फाउंडेशन नहीं है, इंक्लूसिवनेस नहीं है, तो क्या हो जाता है कि वो डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, ठीक है। तो ये बहुत बहुत जरूरी चीज है कि रावण भी यू वॉज अ ग्रेट पोटेंशियल। मैंने पोस्ट भी डाला था, इट वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि द मेन थिंग इज इट वॉज इम्पोर्टेंट, ही हैज लाइक अ मास्टरी ओवर एवरीथिंग, ठीक है। मगर अंत में क्या होगा कि उसका फाउंडेशन वॉज रॉन्ग, क्योंकि ही आइडेंटिफाइड हिमसेल्फ विद अ बॉडी एंड द माइंड, ठीक है, यस वही गलती उसने कर दिया, इसकी वजह से उसका पतन हो गया। वाह अमेजिंग तो फाउंडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप अपना साधना इंटेंसिफाई करेंगे किसी फाउंडेशन की, फाउंडेशन नहीं है ना, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी हार्ड। क्योंकि जब आपका एनर्जी और आपका शरीर और जो कुछ भी एक्टिविटी वगैरह है, इट विल स्टार्ट टू बिकम रिफाइंड, ठीक है। जब रिफाइंड होता चला जाता है ना, तो यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ इंटीग्रिटी इन योर सिस्टम। इंटीग्रिटी का अर्थ ये रहता है कि जैसे कि लोग ज्यादातर तरीके से रिसेप्टिव या फिर कैपेबल नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि आज आपका शरीर एक तरीके से बिहेव कर रहा है, कल दूसरे तरीके से बिहेव कर रहा है। इंटीग्रिटी का अर्थ ये रहता है कि अभी भी उसी तरीके से बिहेव कर रहा है, जब मैं चाहूं आई कैन चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ माई सिस्टम ऑल्सो, दैट इज पॉसिबल विद एवरीवन। दैट इज हाउ सदगुरु डस, ठीक है। तो ये दिस पॉसिबिलिटी इज विद एवरीवन। ओके ना आजकल मैं देख रहा हूँ कि स्टूडेंट्स जो है वो साधना की तरफ ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है, काफी स्टूडेंट्स का आ रहा है।
यूट्यूब कमेंट सेक्शन में भी मैं उनके कमेंट्स पढ़ता हूँ, तो उनके सामने दो सिचुएशन होती है, एक फैमिली एंड दूसरी जो है वो है मनी, पैसा। क्योंकि जो ईशा के प्रोग्राम्स है वो थोड़ा सा एक स्टूडेंट की पर्सपेक्टिव से थोड़े से कॉस्टली है, और दूसरी चीज अगर स्टूडेंट के पास मान लो कि वो पैसे की दिक्कत नहीं है, बट स्टिल वो जो फैमिली है, फैमिली की तरफ से ऐसा कभी हो सकता है कि वो कह सकते हैं कि आप ना कुछ वियर्ड चीजें कर रहे हो। अगर कोई इंसान भूत शुद्धि करने लगा तो अचानक से ही उनके घर वाले सोचने लगेंगे कि ये क्या कर रहा है। तो इन दो सिचुएशंस से जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे बाहर आ सकते हैं या इनके थ्रू जा सकते हैं बहुत आसानी से। मैं आपको हार्डकोर उत्तर दूंगा। तो इसमें क्या होता है कि जैसे हम लोग बहुत से सारे स्पिरिचुअल कंटेंट बना रहे हैं, जो सदगुरु जी भी कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि मैंने देखा कि बहुत सारे जो भी ईशा मेडिटेटर हैं वो सब सिर्फ सदगुरु जी की ही वीडियो वगैरह डालते हैं। ठीक है, इट्स इन अ गुड वे, एवरीबडी नोज अबाउट सदगुरु एंड ईशा फाउंडेशन, मगर जो सोसाइटी के अंदर घुसना है उसके लिए क्या होना चाहिए कि वी नीड मोर एंड मोर रोल मॉडल्स और द इन्फ्लुएंसर्स। ये गलत वर्ड है, मगर जैसे कि आप इंटरनेट में देखते हैं तो वी सी लाइक अ लॉट ऑफ पीपल एंड लॉट ऑफ फॉलोअर्स बिहाइंड देम, है नहीं? मगर कितने सारे लोग हैं जो ईशा मेडिटेटर हैं और उसके पीछे ईशा मेडिटेटर नहीं, दूसरे लोग उसके पीछे दीवाने हैं, कितने सारे लोग हैं बताइए, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसकी वजह से क्या हो जाता है कि जब हम लोग को पता नहीं होता तो लोगों के पास एक तरीके का स्टेरियोटाइप हो गया। ठीक है, योगी का मतलब वही होता है कि यहाँ पे छेद बना लो, उसके बाद बाल बढ़ा लो, दाढ़ी बढ़ा लो, और उसके बाद एक गमछा डालो, फिर चले जाओ, है ना? तो दिस इज द रीजन, या जो कोई भी कॉन्शियसली साधना वगैरह कर रहे हैं उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट आने की जरूरत है, ताकि अगर मान लीजिए कि 5 तरीके के अलग तरीके के कंटेंट है, एटलीस्ट लाइक वी नीड लाइक 3 ऑफ द कंटेंट, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लिविंग, है ना? हाँ, ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लिविंग। स्पिरिचुअलिटी ये सब नहीं है, जो कुछ भी मैं बता रहा हूँ ये सब स्पिरिचुअलिटी नहीं है, मगर जब दूसरे बंदे को देखना है उसके लिए वी नीड अ कॉन्टेंट लाइक दिस। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होना चाहिए, हम लोग को कॉन्टेंट इसलिए बनाना चाहिए कि जैसे कि एक्स वाई जी पर्सन हु इज अ सक्सेसफुल इन बिजनेस एंड मैरिड एंड हैव चिल्ड्रन, दे हैव डन दिस काइंड ऑफ थिंग, और उनके जीवन में परिवर्तन हुआ है, रूपांतरण हुआ है। वी नीड टू मेनी कॉन्टेंट लाइक दिस कमिंग एंड देन लाइक देयर हैज टू बी लॉट ऑफ देम, मगर कहीं ना कहीं एक कंजूसापन मैं देख रहा हूँ लोगों में, दे आर नॉट पोस्टिंग इट, दैट इज द रीजन लाइक आई हैव टू पोस्ट एवरीथिंग आउट देयर। पहली चीज तो वो है, तो लोगों को एक तरीके से कंटेंट, वी नीड लॉट ऑफ कंटेंट, और लोगों को पता होना चाहिए कि सिर्फ ये नहीं, इससे साइंटिफिक रिजल्ट वगैरह भी है, जैसे कि हार्डवर्क वगैरह का है, टेंशन वगैरह कम रहता है, आपकी जो हेल्थ इश्यूज है वो ठीक हो जाता है। अगेन फॉर दैट वन ऑल्सो वी नीड लॉट एंड लॉट ऑफ कंटेंट, मगर दैट हैज टू कम फ्रॉम द थर्ड पार्टी। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊंगा कि यू हैव टू डू इनर इंजीनियरिंग, ठीक है, मैं ईशा मेडिटेटर हूँ, नाउ यू थिंक ओके लाइक ही हैज अ वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, इस बार, मगर जैसे कि आपने देखा होगा कि एक वीडियो मैंने देखा जो कांग्रेस के जो एक नेता थे, ये आचार्य ऑल्सो, ये एक्चुअली वेंट और उन्होंने नरेंद्र मोदी जी को मिला, ठीक है, yes, उन्होंने yes. बताया कि ये एक्चुअली हैड सम काइंड ऑफ प्रेजेंस एक्सपीरियंस, ये एक्सपीरियंस सम स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस ओवर देयर, तो ही इज फ्रॉम द ऑपोजिशन एक्चुअली, है नहीं? yes, sir. तो इस तरीके से क्या हो जाता है कि इट हैज टू बी द प्रूवन थिंग एंड इट हैज टू बी द डे टू डे थिंग, इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, इट विल नेवर हैपन इफ नोबडी विल कम फॉरवर्ड लाइक यू एंड मी, ठीक है, yes. इसको बाहर लाने के लिए पीपुल शुड मेक देयर ओन एफर्ट, अदरवाइज लाइक इट विल नेवर हैपन। ठीक है, जैसे कि डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, इट केम ओनली बिकॉज एवरीबॉडी वांटेड इट, है नहीं? हाँ, तो ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लिविंग, इट इज हैपनिंग विद कॉन्शियस प्लानेट ऑल्सो, दैट इज द गोल ऑफ सदगुरु इटसेल्फ, दैट्स व्हाई सदगुरु इस बार लेके आ रहे हैं मिरेकल ऑफ द माइंड। ठीक है, वो स्पिरिचुअलिटी नहीं बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं मिरेकल ऑफ द माइंड, क्योंकि मन की वजह से लोग तनाव में ग्रस्त हैं, तो मन को अगर आप अपने अधीन में लेंगे तो क्या क्या संभावना है, तो एक वो चीज है। तो पहली चीज तो मैंने बता दिया, रोल मॉडल इज लैकिंग इन द इंडस्ट्री। ठीक है, अभी मोदी जी की वजह से पीपल आर थिंकिंग ओके हिंदुइज्म एंड टेम्पल्स हैज गॉट सम सिग्निफिकेंस,
और राम मंदिर भी बहुत बड़ी उपलब्धि है इस डिरेक्शन में, ठीक है। मगर अभी भी लोग, पीपल आर रेडी कि नरेंद्र मोदी ध्यान करेंगे, ठीक है, रमन महर्षि जी ध्यान करेंगे, ठीक है, रामन ध्यान करेंगे, ठीक है, सतगुरु जी ध्यान करेंगे, ठीक है, मगर मेरा बेटा ध्यान करेगा वो ठीक नहीं, ठीक है। दैट इज द यस थिंग, लाइक एंड वी नीड टू चेंज। उसके लिए बहुत सारे कंटेंट आने की जरूरत है, ताकि जब आप देखेंगे तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। अगर यस करेंगे तो आपको योगी बनने की जरूरत है, पहली चीज तो हो गया। और दूसरी चीज, जैसे कि आपने कॉस्ट की बात की, ठीक है, कॉस्ट की बात, आपको ये सोचने की जरूरत है कि मान लीजिए कि आपको किसी से प्यार हो गया, ठीक है, आपके परिवार वाले भी आपके विरुद्ध में है, ठीक है, पूरा संसार आपके विरुद्ध में है, ठीक है, अब आप कॉस्ट के बारे में पूछेंगे या फिर क्या पूछेंगे? आप दोस्त से भी पैसे मांग के भी, झूठ बोल के भी आप करेंगे, है नहीं, है नहीं? हाँ, आपके पास बाइक भी नहीं है, आप दोस्त का बाइक लेके जाएंगे, है नहीं? आप तो बोलेंगे कि ये मेरा बाइक है वगैरह बोलेंगे, हाँ, दोस्त को चश्मा भी लेके जाएंगे, है नहीं? तो इसमें चीज है कि उन लोगों के इसकी महत्व के बारे में ज्यादा पता नहीं, पहले चीज अगर आप उसके बारे में पता चल जाएगा तो लोग करेंगे, पहले चीज। और ऐसा नहीं है कि ये महंगा है, आप लोगों को बताने की जरूरत है कि आज के जमाने में अगर आप जो चीज काम भी नहीं करता है, ठीक है, उसके लिए लोग बहुत सारे खर्च कर रहे हैं। जैसे कि सबको घर में पैसा हो या नहीं हो, सबको लेटेस्ट मोबाइल फोन चाहिए, लेटेस्ट बाइक वगैरह चाहिए, कार वगैरह चाहिए, लेटेस्ट डिजाइनर क्लॉथ चाहिए, ठीक है, और लेटेस्ट मूवी भी देखना चाहिए। आजकल अगर आप मूवी देखना चाहेंगे तो सिर्फ मूवी तो सस्ता रहेगा मान लीजिए, मगर उसके साथ साथ आपको पॉपकॉर्न भी खाने की जरूरत है, कोक वगैरह भी खाएंगे आप लोग, और अगर फिल्म हॉल में जाएंगे तो अच्छे कपड़े भी पहन के जाएंगे, तो यू आर ऑलरेडी स्पेंडिंग लाइक मे बी लाइक इनर इंजीनियरिंग कॉस्ट इन लाइक मे बी वन और टू मूवी ऑलरेडी। तो एक गलत चीज है कि लोग बोलेंगे कि ये बहुत महंगा है, इट इज नॉट एक्सपेंसिव। क्योंकि क्या होता है कि जो कुछ भी सदगुरु जी ने प्रदान किए हुए हैं, जो कुछ भी इनर इंजीनियरिंग प्रोग्राम बोलते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि उसके पीछे बहुत सारे स्वयं सेवक वगैरह हैं, वो आर नॉट गेटिंग पेड बाय द ईशा, ठीक है। अगर ईशा इज गोइंग टू यूज, जैसे कि पैसे के लिए एक तरीके से हायर करके लोग डालेंगे ना, तो द कॉस्ट विल गो मे बी आउट से लाइक 2 or 3 times इजीली, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे स्वयं सेवक की भी योगदान है। अगर वो स्वयं सेवक नहीं होते तो मैं बोलूंगा कि इनर इंजीनियरिंग मेरे पास नहीं आता, ठीक है। यस तो इसीलिए हमारे पास आपको भी पता, आपको पता होगा कि सदगुरु जी ने एक कार्यक्रम भी रखा हुआ है जिसको बोलते हैं संघमित्र, और अभी आपका आपका 7% ईशांगा भी है, ठीक है। तो मैं संघमित्र में हूँ, तो हर महीने मैं अपना योगदान कर रहा हूँ, हर महीने विदाउट अ मिस, ताकि लोगों को इनर इंजीनियरिंग सस्ते में मिल सके, ठीक है। तो यस सिर्फ मैं ही नहीं हूं, बहुत सारे लाखों लोग हैं, उसी की वजह से ये इस प्राइस में आ रहा है, ठीक है। अगर इसको भी कंप्लेन करेंगे आप कि इससे भी सस्ता हो जाए, फ्री में हो जाए, तो अगर फ्री में आ जाएगा तो उसके बाद कोई भी इनर इंजीनियरिंग नहीं करने वाला, आई कैन गारंटी दैट वन, क्योंकि उसके बाद लोग ऐसे ही जाएंगे जैसे कि फिल्म देखते हैं आएंगे, उसको उनको अच्छा लगेगा उस टाइम पे, मगर वो लोग साधना नहीं करेंगे उसके बाद, साधना नहीं करेंगे तो जो संभावना है, जो संभावी मां मुद्रा की संभावना है, वो उनके साधना के साथ ही समाप्त हो जाएंगे, है नहीं? हाँ, अगर साधना नहीं करेंगे तो दूसरे को जाके बोलेंगे कि अरे मैंने तो संभावी कर लिया मगर ये तो मेरे लिए काम नहीं किया, है नहीं? मगर अगर आप जैसे खाना खरीद लिया और उसको कान में ठूसेंगे तो पेट तो नहीं भरेगा, है नहीं? हाँ, तो उसको प्रयोग करने की जरूरत है, मगर सबसे पहले पहचानने की जरूरत है कि इसका इसका संभावना क्या है, द सिग्निफिकेंस ऑफ इट, उसका यस महत्व जानने की जरूरत है। तो उसी लिए आप जो काम कर रहे हैं ये तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपके जरिए बहुत सारे जो हिंदी दर्शक वगैरह हैं उनके पास पहुंच रहे हैं, तो यही चीज है। ओके और दूसरी चीज, अगर आपने श्रमिक वगैरह कर लिया तो जैसे कि मैंने एक फायदा आपको पहले ही बता दिया कि जैसे कि आप 5 घंटे सो के भी आप पूरा कर सकते हैं नींद, तो आपके पास अगर आप एग्जाम देने चाहते हैं या फिर जॉब वगैरह करते हैं तो आपके लिए 3 घंटे और ज्यादा शेष हो गया, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको थकावट नहीं होगी ज्यादा,
तो दिन भर काम कर सकते हैं, दिन भर पढ़ सकते हैं, खेलकूद कर सकते हैं, जो कुछ भी करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तीसरी चीज तो क्या होता है कि आपको एक स्पष्टता आ जाएगी, जैसे कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, एक तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, जैसे कि सोसाइटी आपको बोल रहा है कि ये ठीक है वो ठीक है। जैसे कि बहुत समय पहले लोग सबके सब इंजीनियरिंग बनना चाहते थे, अब सबके सब एमबीए बनना चाहते हैं तो अब सबके सब एआई वगैरह सीखना चाहते हैं, तो उससे एक तरह की स्पष्टता आ जाएगी। और चौथी चीज तो ये है कि आपको सुखद अनुभव अपने अंदर से आ जाएंगे। और अभी जितना भी पैसा आप कमाने की कोशिश कर रहे हैं जॉब करके, और उसके बाद जैसे कि लैम्बोर्गिनी वगैरह तो पता नहीं कि सबके सब खरीद पाए या नहीं, मगर कुछ भी ड्रीम कार है वो खरीद के खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, आपको वो वेट करने की जरूरत नहीं है, वो खुशी आपके आप आ जाएगी। अगर आप वो गाड़ी बाद में खरीदना चाहते हैं तो आराम से चढ़ सकते हैं, क्योंकि आपकी एक तरीके से जब आप साधना करेंगे तो आपकी जो एफेक्टिवनेस है आपके एक्शन में और थॉट प्रोसेस में, उसमें भी बहुत बड़ा अच्छापन आ जाएगा, उसे इफेक्टिव हो जाएगा। और उसके बाद आप अगर कम समय काम कर सकते हैं तो ज्यादा कर सकते हैं, उसकी वजह से आपका पैसे की आमदनी भी ज्यादा हो जाएगी, पढ़ाई में भी अच्छा अव्वल हो जाएंगे आप, तो इसमें संभावना ही संभावना यस ना, वाह। है सो मुझे लगता है स्टूडेंट्स को उनके क्वेश्चन का जवाब मिल गया होगा ना। कुछ लोग ऐसा कहते हैं, वैसे तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि हम लोग अभी अच्छा पैसा नहीं कमा रहे हैं, तो हम लोग पहले अच्छे पैसा पैसा कमाएंगे, उसके बाद साधना करेंगे। तो ऐसे लोगों के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, मतलब क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग मैं हैं। हाँ जी 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 हाँ, तो मैंने पिछले प्रश्न में इसका उत्तर दे दिया था कि साधना एक डिसेबिलिटी नहीं है, दुर्बलता नहीं है, इट्स अ इनेबिलिटी। तो आपके पास टाइम वगैरह रह जाता है, एनर्जी वगैरह आ जाता है, तो दैट बेसिकली मीन्स लाइक, जैसे कि मान लीजिए कि आप 24 घंटा तो काम कोई भी नहीं करेगा, मगर जैसे कि मान लो कि 16 घंटे 18 घंटे आप काम करके जितना पैसा कमा सकते थे, अब उससे भी ज्यादा घंटे आप काम कर सकते हैं, ठीक है, साधना की वजह से। पहला फायदा तो मैंने आपको बता दिया। दूसरी चीज ये है कि आपको मानना पड़ेगा कि आप पैसे कमाना चाहते हैं या फिर जीवित रहना चाहते हैं, ये दो अलग बातें हैं, ठीक है। अगर आप सिर्फ जीवित रहना चाहते हैं, अच्छी तरीके से जीवित रहना चाहते हैं, तो ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसीलिए सदगुरु बोलते हैं कि आपको एक तरीके का बैठिए, आराम से बैठिए और आप देखिए कि मेरे जीवन में मुझे क्या क्या चाहिए, ठीक है। पहले निर्धारण कर लीजिए, मान लीजिए महीने का 50,000 या फिर महीने का 1 लाख या फिर 2 लाख या फिर महीने का 1 करोड़, ठीक है, जो कुछ भी है प्लानिंग कर लीजिए एक तरीके से, रियलिस्टिक तरीके से, ठीक है, रियलिस्टिक तरीके से आप प्लानिंग कर लीजिए और आपको वही प्लानिंग करना है और उसके हिसाब से ही चलना है। ऐसा नहीं कि कल मान लीजिए कि महीने में 3 करोड़ 3 लाख कमा लिया और सोच रहे अरे मैं तो और भी ज्यादा कमा सकता हूँ, 6 लाख करूंगा, तो उसकी वजह से आप कभी भी साधना में प्रगति नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक तरीके से आप देखेंगे यथार्थ में क्या है कि भौतिकता और आध्यात्मिकता में कोई अंतर नहीं है, ठीक है। जो कुछ भी एक तरीके से स्थूल तरीके से रेवरबरेट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं, जो बोलते हैं इसको फिजिकलिटी बोलते हैं, ठीक है। जो एक तरीके सूक्ष्म तरीके से रेवरबरेट हो रहा है उसको हम स्पिरिचुअलिटी बोल सकते हैं, जिसको हम अपने पंच इंद्रियों से ग्रहण नहीं कर सकते उसको स्पिरिचुअलिटी बोलते हैं। तो क्या है कि आपका पैसा कमाने से और नहीं कमाने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप बोलेंगे कि सिर्फ पैसे मैं अपने लिए कमाऊंगा तो देयर इज नो स्पिरिचुअल प्रोसेस, मगर मैं एक तरीके से इंक्लूसिव तरीके से किसी को सर्विस दे रहा हूँ, किसी के जीवन को उन्नति कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि आपने पेन बना लिया, पेन की वजह से लोगों के जीवन अच्छे हुए या नहीं, अच्छे हुए है ना, है ना? तो वही आप सिर्फ पैसे के लिए दे सकते हैं या फिर समर्पण भाव से दे सकते हैं, नहीं? समर्पण भाव देने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसा लगेगा क्या? एक्स्ट्रा पैसा लगेगा? नहीं लगेगा। तो उस तरीके से तो आध्यात्मिकता तो आप 24 घंटे कर सकते हैं, उसमें कोई सीमाएं या फिर परिधि और लिमिटेशन कुछ भी नहीं है उसमें, ठीक है। तो मगर अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको अपने औजार के बारे में देखने की जरूरत है, साधन के बारे में देखने की जरूरत है। पैसे कमाने के औजार हर तरह के होते हैं, या तो जॉब करना है या फिर बिजनेस करना है, ठीक है। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि ये बिजनेस मेरे बिना भी चल सकता है या नहीं, ठीक है। अगर बिजनेस शुरू कर लिया और आपके बिना वो नहीं चल पाएगा
तो आप फंस जाएंगे 100%। तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए कि आप नहीं है तब भी चलेगा, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, आपको पैसे भी इनकम मिल जाएगा और आप साधना कर सकते हैं। मगर अभी लोगों का एक तरह का नजरिया गलत है, जैसे कि सदगुरु बोलते हैं देयर आर थ्री वेज ऑफ डूइंग थिंग्स, ठीक है, उसमें होता है बीइंग, डूइंग एंड हैविंग, ठीक है। तो आप कैसे हैं, पहली चीज आप क्या करते हैं और आप पाना क्या चाहते हैं, ठीक है। दिस इज द प्रोग्रेशन ऑफ थिंग्स, क्योंकि अगर आप 24 घंटे खुश हैं तो उसके बाद आपको एक्टिविटी करने की जरूरत है कि आप क्या करना चाहते हैं जीवन में, ठीक है। मगर जो कुछ भी आप करना चाहते हैं वो आपके काबिलियत पे निर्भर करता है, ठीक है नहीं, काबिलियत पे निर्भर करता है। जैसे कि जिस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, लोगों ने बहुत सारे ध्यान किया होगा मगर उस तरीके से नहीं बोल पाएंगे क्योंकि स्पष्टता नहीं है, ठीक है, मैं सच तरीके से बोल रहा हूँ। मगर कोई मुझसे भी अच्छा गाड़ी चला सकता है, ठीक है, हाँ, कार रेसिंग वगैरह कर सकता है, बाइक चला सकता है, जो मैं नहीं कर सकता, ठीक है। तो जो भी हम लोग करते हैं उसमें काबिलियत 100% इन टर्म्स ऑफ द कॉम्पिटेंसीज देयर, ठीक है, एंड नॉट एवरीबॉडी कैन बिकम 100% कॉम्पिटेंट इन ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। रियलिटी भी बुझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। और तीसरी चीज है कि वो करके मैं क्या पाना चाहता हूँ, ठीक है, जैसे कि लैपटॉप हो गया, मोबाइल वगैरह हो गया, सब कुछ हो गया, ठीक है। तो अभी क्या हो गया कि लोग क्या कर रहे हैं कि उल्टे तरीके से चल रहे हैं, वो लोग बोलते हैं पहले मुझे आईफोन चाहिए, पहले मुझे गाड़ी चाहिए, पहले मैं शादी करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा और उसके बाद ही मैं खुश रहूंगा, ठीक है। तो वो उल्टा पाव हो गया। और क्या होता है कि हैविंग एंड डूइंग आर डिपेंडेंट ऑन सो मेनी थिंग्स इन द वर्ल्ड, है नहीं। तो आपका जो मेरुदंड है, जो फाउंडेशन है, वो दलदल हो गया, दैट इज नॉट अ सॉलिड ग्राउंड। अगर एक तरीके से आप यहाँ पे स्थापित हो गए हैं और अपने आप ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि मैं अच्छा अनुभव करना चाहता हूँ या फिर बुरा अनुभव करना चाहता हूँ, जो कुछ भी आप एक तरीके से स्थापित हो गए हैं इन योर बीइंग, देन वॉट एवर यू डू, लाइक इफ इट डजंट वर्क आई विल नॉट बी अफेक्टेड, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो सिर्फ अपना 100% दे सकता हूँ, है नहीं, मगर सिचुएशन तो मेरे हाथ में नहीं है, है नहीं, हाँ। और उसके बाद अगर कुछ पाना है कुछ नहीं पाना है, दैट इज ऑल्सो एक्सटर्नल सिचुएशन। मगर अभी क्या हो रहा है कि लोग एक्सटर्नल सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, जैसे कि मैं पहले सब कुछ करूंगा और उसके बाद खुश होऊंगा, तो दैट इज गोइंग टू बी अ डिजास्टर, 100% डिजास्टर। तो सबसे पहले इनर इंजीनियरिंग और उसके बाद आउटर इंजीनियरिंग। और मैं अंत में जोड़ना चाहता हूँ, अंत में एक लाइन जोड़ना चाहता हूँ, सदगुरु जी बोलते हैं कि इन योर लाइफ इफ यू वांट टू पास इन अ कॉलेज और समथिंग, आपका 40 मार्क्स हो गया या फिर कौन सा होगा, डिपेंडिंग अपन विच लाइक सिलेबस यू आर इन और विच डिपार्टमेंट यू आर डूइंग इट, तो क्या होता है कि जीवन में अगर आपको पास करना है, 80% इज अ डिस्टिंक्शन, है नहीं, 80% इज अ डिस्टिंक्शन मार्क्स, है नहीं, 100 में। तो सदगुरु बोलते हैं कि अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो 20% आ गया, ठीक है। अगर आप खुश हैं हर वक्त तो क्या हो गया, आपका 20% आ गया फिर से, है नहीं, हाँ। आप आनंदित हैं तो 20% आ गया, तो इस तरीके से आपका चारों के चारों जो भी विभाग है उसकी तरह से 80% तो मिल जाएगा, तो बाकी 20% है, दैट इज अ सक्सेस जो आपके बाहर है। तो उसके लिए यू नीड टू डेवलप द कॉम्पिटेंसी। और अगर पैसे की बात है तो सबसे पहले अगर इंजीनियरिंग करेंगे और अगर आप लोग सर्च करेंगे कि पैसिव इनकम कैसे कमा सकते हैं, दैट इज द वे टू गो। मगर सबको करने की जरूरत नहीं है, मगर अगर आप किसी की लाइफ में वेलबींग ला रहे हैं तो उसकी वजह से भी पैसे तो अपने आप आ जाएंगे, दैट इज नॉट द इश्यू, मगर इट शुड बी यूजफुल फॉर पीपल, दैट इज द थिंग। ओके ना ना सदगुरु प्रेजेंट्स टाइम, इसका सिग्निफिकेंस मैं आपसे जानना चाहूंगा, और इसका आपकी लाइफ में क्या रोल रहा है, और हम लोगों को कैसे उस समय को यूटिलाइज करना चाहिए सदगुरु प्रेजेंट्स टाइम को। हाँ, तो क्या है कि सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहता हूं कि जो प्रेजेंस टाइम है, तो सदगुरु जी की वीडियो की ही बात मैं करता हूँ, उन्होंने जो बताया है, तो उन्होंने बताया कि
उनके पास वो चाहते तो ही कुड एक्चुअली मेक द एंटायर टाइम एज अ प्रेजेंस टाइम ऑल्सो, ये भी संभव है। मगर उसमें उसमें बहुत सारी चैलेंजेस और कठिनाइयां भी हैं, क्योंकि वन थिंग इज नॉट एवरीबडी इज रेडी फॉर दैट वन। क्योंकि मान लीजिए कि आप गाड़ी चला रहे हैं और आपका सिस्टम बहुत सेंसिटिव वगैरह है, तो उड़ जाए आपके लिए खतरनाक भी हो सकती है। ठीक है, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट। मगर ये सतगुरु जी ने नहीं बताया, मगर आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस। मगर दूसरी बात ये है कि जो प्रेजेंस टाइम है, सतगुरु जी ने बताया कि जो भी, एक तो वो चीज है, मगर दूसरी चीज ये है कि अगर जो कुछ भी एक तरीके से समय को या फिर स्थान को या फिर सब कुछ को एक तरीके से कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में लेके आना है, ठीक है, पार्टिकुलर टाइम और समथिंग, यू नीड अ लॉट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उसके लिए बहुत सारा एनर्जी खपत करने की जरूरत होती है। तो अभी ध्यानलिंग की वजह से ये संभव हुआ है, ठीक है, मगर दैट इज द फर्स्ट थिंग मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये फिर से बोलने का मौका मिलेगा नहीं या नहीं मिलेगा इसके बारे में, क्योंकि लाइक नॉट एवरीबडी इज एक्चुअली इंटरेस्टेड विद दिस वन। तो दूसरी चीज ये है कि जैसे कि आपको पता होगा कि जो सन्निधि डॉट नेट मैंने पहले बताया था, उसकी जरूरत, उसके बारे में बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। मैं इतना बताना चाहता हूँ कि अगर आपके जीवन में एक तरह का ऊर्जा की कमी है, आध्यात्मिक ऊर्जा की कमी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आप साधना कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, 2 महीने 3 महीने से कर रहे हैं, मगर आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि या तो आपने इनर इंजीनियरिंग का जो भी बेसिक्स है वो भूल चुके हैं आप, ठीक है, या फिर आप साधना गलत तरीके से कर रहे हैं, या फिर आपके शरीर में ऊर्जा की कमी है। ठीक है, तो ऊर्जा या तो बाहर से आएगी या फिर अपने आप को वो ऊर्जा को बनाने की जरूरत है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सबके सब मंदिर तो नहीं जा सकते, और मंदिर, आप सबके सब मंदिर चले गए तो वहां पे भीड़ भाड़ होगी, वहां पे आपको ध्यान करने का मौका नहीं मिलेगा। तो सतगुरु जी ने एक ऐसा समय क्रिएट किया हुआ है। इसमें दो चीजें हैं, पहली तो चीज क्या है कि दिस इज अ फ्यू फुल ब्लोन तंत्र, ठीक है, एक तरीके का प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि सतगुरु जी की जो असीम ऊर्जा है वो आपको वहां पे उपलब्ध होगी। पहली चीज, अगर आपको उपलब्ध होने में आपको अनुभव नहीं हो रहे हैं, तो दूसरी चीज क्या है कि उसको अनुभव करने के लिए आपके लिए एक मंत्र दिया गया है, जिसको ब्रह्मानंद स्वरूप मंत्र बोलते हैं। तो मंत्र की वजह से आप उसको, उसे सदगुरु जी की जो सानिध्य है उससे कनेक्ट कर पाते हैं, आप उससे जुड़ सकते हैं और आप अनुभव कर सकते हैं। ठीक है, और सदगुरु जी की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा बहुत ही कंड्यूसिव है सबके लिए, क्योंकि वो किसी भी निश्चित पर्पज के लिए नहीं है। ठीक है, अगर आप किसी भी देवी देवता के मंदिर वगैरह में जाएंगे तो वो किसी न किसी मकसद के लिए प्राण प्रतिष्ठा की गई है। ठीक है, तो ये सिर्फ एक तरीके से आपको एम्बियंस क्रिएट कर देगा। और मेरी बात करेंगे तो ये आपकी जो भी ऊर्जा है वो पूरा का पूरा सुषुम्ना से ऊपर ले जाने के लिए बहुत कारगर है। तो आपको अगर करना है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, मगर आपको एक तरीके से करना है। अगर मैं आपको अनुभव बता देता हूँ, तो प्रेजेंस टाइम मैंने बहुत किया था पहले। तो जब मैं शुरू हुआ था और मैंने प्रेजेंस टाइम किया हुआ था, तो सबसे पहले मुझे पता भी नहीं था कि क्या हो रहा है, किसी ने क्या किया है, और मेरा शरीर भी उतना रिसेप्टिव नहीं था उस वक्त। तो मैं करता रहा करता रहा करता रहा, मगर बाद में जब चैंट किया, तो चैंट करने के बाद जैसे कि 7 मिनट आपको चैंट करना होता है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप सदगुरु ऐप में जा सकते हैं, वहाँ पे योगा मेडिटेशन का एक टैब है, वहाँ पे जाके आप प्रेजेंस टाइम देख सकते हैं। वहाँ पे एक वीडियो है, सबसे पहले आप जरूर वो वीडियो देखना, वहाँ पे सदगुरु जी बताते हैं उसके बारे में। तो अगर आप बैठेंगे तो मेरे साथ क्या होगी, 7 मिनट तक मैंने चैंट किया, ये तकरीबन 6-7 महीने चला होगा इस तरीके से, क्योंकि हम लोग बुलेट ट्रेन करते थे उसी वक्त हम लोग चैंट करते थे। मगर एक बार ऐसा होगी, 7 मिनट में चैंट करते करने के बाद 3 महीने के लिए जब मैं स्थिर होके बैठा तो उसके बाद मुझे पता चल गया कि ये सब चीज क्या है। मगर अभी मैं इस स्थिति में आ चुका हूँ कि एक तरीके से तो मुझे सानिध्य समय की उतनी आवश्यकता नहीं है, मैं बताऊंगा, मगर जब मैं बैठ जाता हूँ तो मुझे वो चैंट करने की भी जरूरत नहीं है। मगर मैं ये सबके लिए सुझाव नहीं दूंगा, आपके लिए जो भी काम करेगा आप कीजिए, मगर ये बहुत जरूरी है जो कोई भी ईसा साधना वगैरह करते हैं। तो अगर आपको लगता है कि मैं रिसेप्टिव नहीं हूँ, मैं ग्रहण नहीं कर पा रहा हूँ,
तो मैं आपको एक तरीके का सुझाव दूंगा कि आप शांभवी महामुद्रा कीजिए कुछ 5 मिनट पहले या फिर जब 6:20 से पहले, और उसके बाद वो प्रोसेस कीजिए, ठीक है। और सदगुरु जी ने तो ये बताया कि आप वो ये किसी भी समय पे कर सकते हैं, मगर उस समय में 3 चीजें, एक तो प्रेजेंस टाइम हो गया, ठीक है, आप कभी भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर वन थिंग इज लाइक दैट टाइम इज एक्चुअली एलोकेटेड फॉर दैट वन, उसी तरीके से प्राण प्रतिष्ठित की गए हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट की गए हैं, और वो लोकल टाइम है, ठीक है। लोगों को इंडियन टाइम पे करने की जरूरत नहीं है। पहली चीज हो गया, और दूसरी चीज ये है कि वो एक संध्या काला भी है, ठीक है। संध्या काला का अर्थ क्या होता है कि आपका जो शरीर में जो ऊर्जाएं हैं वो एक तरीके से फ्लक्स में रहते हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो भी शरीर है, जैसे कि सदगुरु बताते हैं कि हमारा शरीर जो सौर्य मंडल से ही एक बनी हुई है, और एक पृथ्वी और चंद्रमा की एक तरीके से खेल से बनी हुई है, ठीक है, उनकी एक तरीके के प्ले से बनी हुई है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि जब भी पृथ्वी की सतह में कोई भी परिवर्तन आता है कुछ तरीके का, तो हमारे शरीर में भी परिवर्तन आता है। जैसे कि आप सोते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त को इतना ज्यादा महत्व की क्यों दिया जाता है, उस समय आपका जो भी ऊर्जा वगैरह है वो फ्लक्स में रहती है, क्योंकि वो एक तरीके से तामसिक से एक तरीके से राजसिक में आने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो शाम में क्या होता आता है कि ज्यादातर लोग सोने की अवस्था में जाते हैं, तो क्या होता है कि आपका राजसिक से अब तामसिक में जाना है, जाने की कोशिश करता है ऊर्जा, तो अभी वो मूव कर रहा है, ठीक है। तो उसमें क्या हो जाता है कि आपको आसानी से उसको तब्दील कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो इसकी वजह से वो टाइम रहता है। तो दैट इज अनदर थिंग। तो ये सब चीजें हैं, तो आप इसका जरूर फायदा उठाएं, क्योंकि किसी ने मुझे बताया था कि मैं क्या करूंगा, मैं सुबह साधना करता हूँ मगर ये तो शाम को है, मैं कैसे करूंगा। वही वही चीज है कि अगर आपको कुछ मिल रहा है जो गुरु कृपा है, सिर्फ सिर्फ और सिर्फ गुरु कृपा है, अगर आपको मान लीजिए कि आपको किसी मंदिर में जाके दर्शन करना है, इसी ऊर्जा इसी तरीके की शक्तिशाली ऊर्जा है, या फिर कुछ ऊर्जाओं का ग्रहण करना है या फिर दर्शन करना है, तो आपको बहुत यात्राएं करने की जरूरत होती है नहीं? हाँ, मगर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको घड़ी देखना है, आपको सिर्फ बैठना है, एक सतगुरु जी का पिक्चर रखिए आपके आगे, यंत्र वगैरह नहीं है, फोटो वगैरह तस्वीर वगैरह रख लीजिए, और आप जो भी वहां पे इंस्ट्रक्शन है, एक वीडियो इंस्ट्रक्शन है, वो इंस्ट्रक्शन फॉलो कीजिए, धीरे धीरे आपका आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए क्या कर रहा है। तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक तरीके से उनके लिए एक तरीके से उपलब्ध होने की एक प्रक्रिया मात्र है। ओके इसी में एक है कि अगर हम शाम को अपनी साधना कर रहे हैं, शाम को भी साधना कर रहे हैं जैसे कि बिजनेस हो गई, तो उस समय पे मतलब ये 6:20 का टाइम आता है, मेरी प्रैक्टिस की ड्यूरिंग ही 6 हो चुके, तो नहीं, कोई मुझे कोई ऐसे दिक्कत में नहीं है, क्या कोई दिक्कत करना नहीं है। चाहिए? सबसे पहले चीज तो मैं बताऊंगा कि अगर आपको साधना के बारे में कुछ भी सलाह मशवरा चाहिए, तो आपको कभी भी फेलो मेडिटेटर से कभी भी नहीं पूछना है। तो आपको सिर्फ स्वामी माँ या फिर ईशांग से पूछना है। तो सबसे जरूरी चीज तो है कि जितना भी मैं जानता हूँ, आपको सिर्फ साधना करना है, तो अपने हिसाब से कीजिए साधना, मगर ये एक संभावना है, जैसे मैंने आपको बताया था। तो अगर आपको ये संभावना को प्रयोग करना है जिस तरीके से सदगुरु जी ने बताया गया है, तो यू कैन डू योर साधना उसके आगे या फिर उसके पीछे कर सकते हैं, मगर मेरा अनुभव है कि अगर आपने वो पहले किया हुआ है तो वो और भी प्रभावकारी होगा। ओके अन्ना, सो एक क्वेश्चन, ये काफी सारे लोगों का मैंने कमेंट सेक्शन में ये भी पढ़ा है कि उन्होंने साधना से पहले उनकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, बट जैसे ही साधना शुरू करी वैसे ही उनकी लाइफ में कुछ इम्बैलेंसेस आ गए, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी, या कुछ छोटी मोटी चीजें जो उन्हें लगता था कि नहीं होनी चाहिए थी वो उनके साथ घटित हो गई, तो ऐसे में उनकी साधना करने का जो मनोबल है वो टूट जाता है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? तो ऐसा है कि
अगर आपने जीवन जन्म लिया है, ठीक है, हाँ, तो द थिंग इज आप सिर्फ अपने मन के अंदर जीवित हैं, इसका अर्थ, क्योंकि अगर आपने एक तरीके से जीवन को पूरी गहराई में देखा हुआ है, तो इसमें उतार भी है, चढ़ाव भी है। आपको पता है कि आपने कभी ऐसे इंसान को मिले हैं जो कभी भी बीमार नहीं होता? अब मिलेगा क्या? नहीं है ना, आपने कभी मिला नहीं है कि कोई मिला, बंदा ऐसा है कि जो कभी भी नहीं मरा हो? मिला है क्या? या फिर नहीं। आपने कोई मिला है जिसका कभी भी रिलेशनशिप वगैरह टूटा हुआ हो, जिसका 24 घंटे खुश हुआ हो, या फिर जिसकी जीवन में कभी भी पैसे की किल्लत ना हो, ऐसी ऐसे लोग आपने देखा है क्या कभी भी? नहीं, ऐसे भी लोग नहीं मिले। हाँ, तो इसका अर्थ ये है कि आपने जीवन को अपने हिसाब से फैंटेसाइज करके जी रहे थे अभी तक, ठीक है, पहली चीज। ठीक है, आपने सोचा होगा कि जैसे कि एक मूवी देख ली, तो मूवी में क्या होता है कि सबसे पहले विलेन आता है, हीरो आता है, हीरोइन आता है, कुछ चक्कर वगैरह चलता है, स्टोरी वगैरह होता है, तो फिल्म खत्म हो जाता है, ठीक है। मगर आपको लगता है कि जीवन सिर्फ 1.5 घंटे 2 घंटे में खत्म हो जाती है? नहीं, उसके बाद तो वो लोग दिखाते ही नहीं कि क्या हुआ है उसके बाद। अंत में जाके तो वो हीरो हीरोइन भी मर जाते हैं ना एक ना एक दिन, है नहीं? है नहीं, सच यस में कह रहा अन्ना, हूँ ना यस मैं? तो अन्ना, क्या हाँ होता जी है अन्ना। कि जीवन में जो हादसा, जिसको हादसा बोलते हैं, जिसको कठिनाई वगैरह बोलते हैं, इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर वो पार्ट ही नहीं है तो जीवन कभी भी प्रगति नहीं करेगा। जैसे कि मान लो आप, कोई लोग IIT वगैरह जाते हैं, NIT वगैरह जाते हैं, कोई हर तरीके के एग्जाम वगैरह के लिए रातों दिन मेहनत करते हैं। क्यों करते हैं? आपको लगता है कि वो आसान सरल तरीका है? नहीं है ना, है नहीं। वो नहीं है अपने ना, आप ही अपने लिए वो मुश्किलें पैदा कर रहे हैं ताकि आप उससे भी आगे जाके बेहतर बन सके, ठीक है। यस। सदगुरु जी ने एक स्टोरी सुनाया था मुझे, मुझे पता है। तो एक बार क्या हुआ कि कृषक लोग थे, और एक दिन क्या हुआ कि शिव जी आ रहे थे, तो कृषक लोग ने शिव जी को बताया कि यहाँ पे तो बारिश बहुत होती है, हवा बहुत आता है, चिड़िया भी बहुत सारी आती है, ठीक है, हाँ, तो यहाँ पे बहुत सारी समस्या है, तो हम लोग फसल करने में बहुत मुश्किलें हो रही है, ठीक है, तो आप ऐसा व्यवस्था नहीं कर सकते कि यहाँ पे हर समय मौसम बहुत सुहाना हो, ठीक है, हाँ, सिर्फ धूप ही धूप लगे, यहाँ पे हवा की बारिश भी कुछ भी नहीं आए। तो शिव जी तो भोलेनाथ है, तो उन्होंने बताया कि तथास्तु बोल दिया, ठीक है। हाँ तो वो तो खुश हो गए। अगली बार क्या हुआ कि उस पर चिड़िया भी नहीं आए, कीड़े भी नहीं पड़े, उसके बाद क्या हुआ कि हवा भी नहीं आई, ज्यादा बारिश भी नहीं आई, कुछ भी नहीं आए, फसल बहुत अच्छी तरीके से उगी, ठीक है, बहुत तरीके से उगी। मगर जिस दिन उन लोगों ने जाके फसल को निकाला और देखा, तो उसके अंदर क्या था कि एक भी दाना नहीं था उसमें, ठीक है, पूरे के पूरे खोखले, ठीक है। तो उन लोगों ने बोला सतगुरु, शिव जी को जाके पूछा कि ये सब क्या हुआ? तो शिव जी ने बताया कि आपके पास वो कीड़े थे, ठीक है, कीड़े से भिड़ने की वजह से वो आपका जो भी फसल वगैरह था वो अच्छी तरीके से आगे जाता था। जब आपकी बारिश वगैरह आती थी, कुछ होता था, तो जहां जिस तरीके पे अच्छी होती थी उस तरीके वो मुड़ जाती थी अपने हिसाब से, ठीक है, हाँ, जहां पे आपका अच्छा अच्छा तरीके से ग्रहण करने की क्षमता होती है उस तरह को घूम जाते थे। मगर इस बार क्या हुआ कि आपका कुछ भी वहां पे नहीं है, तो वो जो भी फसल है वो अपना पूरा का पूरा तरीके से ग्रो नहीं हो पाई, ठीक है, क्योंकि ग्रो होने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है नहीं। मान लीजिए कि मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूँ कि मान लीजिए कि आप पैदा हुए हैं, आपको लोगों ने 10 करोड़ रुपए दे दिए, मान लो किसी ने, तो ठीक आपको है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आप ऐशो आराम से बैठ रहे हैं। मगर एक दिन ऐसा आ गया कि आपको वो 10 करोड़ पूरे चले गए, और आपको सिर्फ 10 करोड़ नहीं, और दूसरे 10 करोड़ की आपको एक तरीके की लोन लग गई, ठीक है, हाँ, तो आप क्या करेंगे? आप ठीक सिर्फ रोएंगे चिल्लाएंगे, क्योंकि ना तो आपको पता है कि 10 करोड़ कैसे बनाने हैं, और आपको ये भी पता नहीं है कि 10 करोड़ होता क्या है नहीं, हाँ। जब यस आप यस, किसी परेशानी से गुजरेंगे तभी आपको उसकी जीवन की महत्व तो पता चलेगी, है नहीं, हाँ, है हाँ नहीं। जैसे कि आपने बताया कि मृत्यु के बारे में सोचते ही आपको एक तरीके की चेतना बोध हो, है नहीं,
ना, जी अन्ना। जब जब आपके जीवन में समस्या आती है तब आपको पता चलता है कि इससे आगे कैसे जाना है और इससे बेहतर कैसे बनना है, ताकि अगर कोई नई आपत्ति वगैरह आ जाए तो उससे आगे कैसे जाना है, एक ये पहली चीज हो गई। मगर सबसे पहले ये सोचने की जरूरत होती है कि जीवन में उतार चढ़ाव चढ़ाव जरूर आएंगे, मगर उतार आएंगे तो लोग क्या हो जाएंगे, वो बेकार हो जाएंगे, है नहीं? जैसे कि हाँ भारत की हिस्ट्री में आप देखेंगे तो एक समय ऐसा था कि भारत में किसी को भी काम करने की जरूरत नहीं थी, बहुत ही प्रॉस्परस था। मगर उसके बाद क्या हो गया कि सबके सब एक तरीके से बुद्धिस्ट मेंटालिटी यूज करना शुरू कर दिया, कि नॉन वायलेंस, और ध्यान करना शुरू कर दिया सबके सब। तो उसके बाद लोग, एवरीबॉडी बिकम वेरी कंप्लेसेंट। ठीक है, कंप्लेसेंट का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है तो क्या करेंगे, है नहीं? तो उसकी वजह से क्या हाँ हुआ कि जो भी बाहर से आए हुए लोगों ने उसका फायदा उठा दिया, और आपको पता है कि 200-300 सालों तक उन लोगों ने राज कर लिया। ठीक है, उससे भी हाँ ज्यादा। ठीक है, हाँ तो सबसे पहली चीज है कि हमको जो भी उतार चढ़ाव है उसको अपॉर्चुनिटी के तरीके से देखने की जरूरत है, कि हम उस लिमिटेशन से कैसे बाहर आए। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का मतलब सिर्फ स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस नहीं है, जैसे कि सदगुरु बोलते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन इज एवरीथिंग। अगर आप में यस रूपांतरण नहीं है तो जो कुछ भी हो रहा है आप कंप्लेन करना शुरू कर दिया, कंप्लेन करना शुरू कर दिया, तो दैट इज अ रॉन्ग थिंग। अब इसमें मैं दो और नजरिया इसमें डालना चाहूंगा। सबसे पहली चीज तो मैंने बता दिया कि इसको गलत तरीके से नहीं देखना है। आपने जीवन क्या होता है वो समझा ही नहीं है इसका मतलब। ठीक है, आप तो सोचते होंगे कि अच्छा जीवन का मतलब ये होता है कि जो एक तरीके का मूवी जैसा है, ऐसा नहीं है जीवन। ठीक है, पहली चीज। तो दूसरी चीज ये है कि जीवन में आपको देखने की जरूरत है कि जब आप साधना वगैरह करते हैं तो साधना का अर्थ ही ये है कि मैं जो भी मेरे जीवन में हो रहा है उसे जल्द से जल्द खर्च करो। ठीक है, हाँ, साधना का अर्थ है, स्पिरिचुअलिटी का अर्थ ये नहीं है कि मैं अपने आप को बचाना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। साधना का ओके अर्थ ये है कि मैं अपने आप को परमात्मा में विलीन करना चाहता हूं, दैट इज वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। दूसरा तरफ अर्थ है कि मोक्ष और मुक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, जब तक कुछ भी बाकी है उसमें सीमितताएं भी होती हैं, संभावनाएं भी होती हैं। ठीक है, मगर जब कुछ भी नहीं होता है तो उसमें संभावनाएं भी नहीं होती हैं और सीमितताएं भी नहीं होती हैं और उसमें व्यवधान भी नहीं होते हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब हम लोग साधनाएं करते हैं तो हम जल्द से जल्द खर्च करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने एक पोस्ट भी शेयर किया था, तो उसकी वजह मतलब आपको पता चल जाएगा, सदगुरु जी ने बताया हुआ कि जब लोग आप साधना करते हैं तो आपका जो कार्मिक साइकिल होता है वो फास्ट फॉरवर्ड में चला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो आपके साथ जो हादसा 3 साल 4 साल के बाद होना चाहिए था वो जल्द से जल्द हो रहा है। जैसे कि मान लो कि आपका, जैसे कि अगर आप अपने जीवन में भी देखेंगे तो आप नहीं देख पाएंगे कि किसी के जीवन में सिर्फ हरियाली हरियाली या फिर सुनहरा मौसम है। वो ऊपर भी गया है उनका जीवन, नीचे भी गया हुआ है, मगर लोगों की याददाश्त इतना कमजोर है इतना कमजोर है कि उन लोगों ने वो पूरा भूल चुके हैं कि उनके जीवन में क्या क्या हुआ है। ठीक है, अगर वो दो चीजों को नजदीक ला दिया तो क्या हुआ कि आपके भूलने से पहले आपके साथ दूसरा हो गया, दूसरा चीज हो गया, है नहीं? यही तो कंप्लेन है नहीं? हाँ, अगर मेरे पास कुछ बुरा हुआ है और मैं भूल गया फिर दूसरा बुरा हो गया तो मैं कंप्लेन नहीं करूंगा। ठीक है, मगर अभी हाँ क्या हुआ कि ठीक एक को भूलने के पहले दूसरा हो गया, दैट इज द कंप्लेन। मगर ये तो अच्छी बात है, क्योंकि जब मेरे पास ये हो रहा है इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपके आगे, जैसे कि आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर आपके आगे कोई बेहतर बॉलर आ गया, ठीक है, तो आप रोते हुए जी भागेंगे या फिर बैटिंग, और भी बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे, हैं? क्या करेंगे आप? बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, बैटिंग प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो बैटिंग प्रैक्टिस ये तो साधना है नहीं? जितना भी बॉल डालो, जी इसीलिए अन्ना सदगुरु बोलते हैं कि अगर आप डरपोक हैं तो नदी के आर पार भी जाने की कोशिश भी नहीं करेंगे, मगर अगर आप सर्फर हैं, सर्फिंग करेंगे, तो यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ सिंपल वेट, आप सुनामी की वेट करेंगे। जब सुनामी हाँ आएंगी तो मैं सर्फिंग करूंगा, मैं कितना बेहतर कर सकता हूं। अगर यस आप बच्चे के साथ क्रिकेट खेलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सिर्फ बच्चे के साथ ही खेलना चाहते हैं तो दैट इज अ वेस्ट ऑफ लाइफ, लिमिटेशन। ठीक है, मगर आपको जैसे कि विराट कोहली की तरह बनना है, कुछ बनना है, तो क्या करना पड़ेगा? स्ट्राइक तो करना मेहनत पड़ेगा, है? यस है ना, तो स्ट्राइव वो करना चीज। पड़ेगा। हाँ जी, ओके सो
ऑलमोस्ट जो मैंने क्वेश्चन प्रिपेयर किए थे अन्ना, दे आर फिनिश्ड अबाउट हार्डकोर साधना, और मैं आशा करता हूँ कि मैंने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कवर कर लिए हो। मोस्टली बहुत सारे लोग इनसे रिलेट कर पाएंगे। और अन्ना, जी लास्ट में जाते जाते हमें लिंग भैरवी देवी के बारे में आपसे बात करनी है, और लिंग भैरवी देवी और माँ तारा का आपने एक पोस्ट में जिक्र किया था, तो उनके कनेक्शन के बारे में मैं आपसे जानना चाहूंगा। और जो माँ आदिशक्ति है, माँ आदिशक्ति की 10 जो स्वरूप है, 10 महाविद्या, बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि जो लिंग भैरवी देवी की प्राण प्रतिष्ठा करी गई है, वो उस प्रकार से नहीं करी गई है जैसा शास्त्रों में बताया है। ऐसे बहुत सारे लोग ऐसी चीजें फैला रहे हैं, और लोगों के दिमाग में ये भी डाउट आ रहा है, क्योंकि लिंग भैरवी देवी एक लिंग के फॉर्म में उनको बुलाया गया है, तो वो उस तरीके से नहीं दिखती जैसे और प्रकार से मूर्तियां बनाई जाती है। तो लोगों के दिमाग में एक ये सवाल उठता है कि क्या 10 महाविद्याओं में से एक जो विद्या है वो माँ भैरवी है, या माँ भैरवी आदिशक्ति का रूप है या नहीं है। तो ये जो इस चीज के ऊपर आप कृपया कृपया करके प्रकाश डालें। तो सबसे पहली चीज तो मैं बोलूंगा इससे बेहतर है कि जो जिस आयाम को हम लोग देवी बोलते हैं वही बोलेंगे, मगर अगर वो बोलेंगे तो सबके सब उसको ग्रहण नहीं कर पाएंगे, दैट इज वन एस्पेक्ट ऑफ इट, मगर बोलना तो जरूरी है यहाँ पे। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि जिस आयाम को हम लोग आदिशक्ति बोलते हैं, इट्स अ फेमिनिन डायमेंशन ऑफ एग्जिस्टेंस, जिसको हम लोग शिव जी बोलते हैं, दैट इज अ मैस्कुलिन डायमेंशन। सदाशिव जिसको हम लोग बोलते हैं, दैट इज द यूनिटी ऑफ बोथ, जिसमें मैस्कुलिन भी नहीं है, फेमिनिन भी नहीं है, इट इज बियॉन्ड द डुअलिटी। और जो चीज भी हम लोग भौतिक चीजें देखते हैं, वो सब सिर्फ शक्ति की ही अभिव्यक्ति है सबके सब। तो जिसको हम जानवर बोलते हैं, पत्थर बोलते हैं, जिसको हम लोग एक तरीके से शारीरिक रूप से राम अन्ना बोलते हैं, या फिर गौरव अन्ना बोलते हैं, या फिर सदगुरु जी बोलते हैं, जो भी भौतिक चीजें हैं, जो भी हम खाते हैं, जो भी पीते हैं, जो कुछ भी अभिव्यक्त है, एक सूक्ष्म कण से लेके ब्रह्मांड तक, अनंत ब्रह्मांड कोटि ब्रह्मांड तक, उन सब सिर्फ शक्ति की अभिव्यक्ति है। मगर हम लोग उसको उस आयम को माँ इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो कुछ भी जन्म देता है उसी को हम लोग माँ बोलते हैं, है नहीं? तो जी अन्ना, सृष्टि के तो माँ के बिना तो कोई सृष्टि नहीं हो सकती, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि मन ऐसी चीज है कि मन के लिए जो यथार्थ है, जो जिसको हम सृष्टि बोलते हैं, इससे पैराडॉक्सिकल, क्योंकि कैसे माँ भी वही हो सकती है और उसका सृष्टि भी वही हो सकता है नहीं? मन तो वो नहीं मान पाएगा, मगर यहाँ जी अगर आप अन्ना, देखेंगे तो ये सृष्टि भी माँ ही है और इसको प्रकट करने वाली शक्ति भी माँ ही है, ऐसा होता है। ठीक है, आयाम तो अभी एक तरीके से सरल तरीके से देखेंगे तो क्या होता है कि जो माँ शक्ति होती है, तो जैसे कि मैंने बताया, अगर आपको एक सृष्टि करना होता है तो उस आयम में आने के लिए उस शक्ति को स्थूल रूप में आने की कोशिश होना चाहिए। ठीक है, जो भी ऊर्जा स्थूल में आते हैं हम उसको प्रकृति या फिर शक्ति बोलते हैं, और जो सूक्ष्म तरीके से चले जाते हैं उसको हम शिव जी बोलते हैं। ठीक है, शिव जी जी या अन्ना, फिर शिव या फिर परब्रह्म, जो कुछ भी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं, उसमें एक तरीके से ग्रंथों में उसको पुरुष और प्रकृति बोलते हैं, शिव और शक्ति बोलते हैं। तो जब वो स्थूल तरीके से आती हैं, तो क्योंकि ये एक तरीके से फेमिनिन डायमेंशन है, तो फेमिनिन डायमेंशन इज समथिंग, इट डज नॉट लाइक द सेम थिंग, इट लाइक्स वेराइटी। ठीक है, तो उसी तरीके की स्वभाव की वजह से, उनकी प्रकृति की वजह से, वो अलग अलग तरीके की प्रकृति में एक तरीके से एक्सप्रेस करते हैं, अभिव्यक्ति होते हैं, और उसी को हम लोग चक्र वगैरह बोलते हैं। ठीक है,
उसके चक्र बोलते हैं। इसीलिए जो ऊर्जा जो चक्र से बह के चलती है उसको कुंडलिनी बोलते हैं, और कुंडलिनी एक शक्ति है, सिर्फ फेमिनिन एनर्जी, ठीक है। हाँ, जी तो जी उसकी अल्लाह, वजह से क्या होता है कि ये जो शरीर है, ये शरीर में ही शक्ति है, इसी शरीर में ही शिव है, ठीक है। अगर किसी तरीके से आपका कोई चक्र एक तरीके से एक्टिवेट हो जाता है, या फिर किसी तरीके से वो आप उसको एक्टिवेट करते हैं और अपनी तरीके से चलती है, तो एक तरीके से उस तरीके की ऊर्जा एक्सप्रेस होती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब लोग जैसे कि हम लोग अपने कर्म के हिसाब से, जब हम लोग मान लीजिए कि एक तरीके से मानव की शरीर हम लोगों ने धारण कर लिया किसी उद्देश्य की वजह से, किसी सचेत की तरह से अथवा अचेत की तरह से एक तरीके से कर्म लेके हम लोग एक तरीके से ये शरीर धारण कर लिया, और जब हम लोगों को इस शरीर की सीमितताएं पता चली, ठीक है, तो उसमें दो मार्ग हो गए। एक मार्ग तो हो गया मुक्ति की, जहां से हम जिस स्रोत से हम लोग आए थे उसी स्रोत में जाने की कोशिश, वो होता है योग की परिधि, ठीक है। मगर हमको सिर्फ नहीं जाना है, मगर हम लोगों को और भी यहाँ पे क्या कुछ है, ये ब्रह्मांड अनंत कोटि ब्रह्मांड में क्या है, ये कैसे चलता है, ये सब अगर हम लोगों को जानने की कोशिश है, तो ये माँ को पता होता है या फिर पिता को पता होता है? माँ को भी पता होता है क्योंकि सृष्टि हुई है नहीं? हाँ, जी तो जी इसी वजह से हम लोग देवी की पूजा करते हैं, देवी की करते हैं, कोशिश करते हैं। और क्या होता है कि जो हमारे शरीर में होते हैं चक्र वगैरह होते हैं, उसमें बहुत सारे, जैसे कि चक्र का मतलब होता है कि आपका जो भी ऊर्जा आपके शरीर में प्राणा जो प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से हम लोग जीवित हैं, जिसके तरीके से हम लोग ये अभिव्यक्ति कर रहे हैं, ये पॉडकास्ट वगैरह कर रहे हैं, तो क्या होता है कि जहां जहां भी ये ऊर्जा वगैरह मिलते हैं उसको चक्र बोलते हैं। तो हर जी चक्र अल्लाह, का आपके जीवन में ये शरीर चलाने की अलग अलग तरीके की एक तरीके की आपकी काबिलियत होती है, या फिर उसका एक तरीके का प्रयोग होता है, उपयोग होता है। जैसे कि मूलाधार चक्र की वजह से हम लोग जीवित हैं, और दूसरे चक्र भी है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। और क्या होता है कि जो भी चक्र वगैरह होता है उसी चक्र की वजह से उसकी परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, आपको भी पता होगा जो भी साइंस वगैरह पढ़ते हैं, मैथ वगैरह पढ़ते हैं, जो भी चक्र वगैरह का आपका एक तरीके से परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन करेंगे, उसी की तरीके से आप अलग अलग चीजें कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो उसी की वजह से क्या होता है कि जब लोगों ने पता कर लिया, जब लोगों ने देख लिया कि जो कुछ भी संसार में अगर आप लोगों को चीजें करनी है, तो उसमें क्या होता है, प्रभुत्व हासिल करने की कोशिश करने की जरूरत होती है। तो उसकी वजह से उन लोगों ने क्या किया कि उन लोगों ने देखा, इन आयामों को देखा और किस तरीके से इसको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे आसान तरीके से उसको अप्रोच कर सकते हैं, सत्व रजस और तमस, ठीक है। तो सत्व रजस और तमस हो जाता है, तो जिसको हम लोग शक्ति बोलते हैं उसको हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। जो आपका जैसे कि निर्गुण है, ठीक है, गुणों से भी परे है जो शक्ति है उसको कुछ भी नहीं कर सकते, मगर जब वो निर्गुण से सगुण हो गए और जब वो स्थूल में आ गए, तो सत्व रजस और तमस में लेते हैं और उसको बोलते हैं महासरस्वती, महालक्ष्मी और महाकाली, ठीक है। और महासरस्वती और सरस्वती एक नहीं है, महाकाली और काली एक नहीं है, और महालक्ष्मी और लक्ष्मी एक नहीं है। लोगों में एक बहुत बड़ी बड़ी भ्रांतियां हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ गुणे हैं, गुण, ठीक है। एक गुण कि ही, जैसे कि मैंने अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन की बात की थी, उसकी वजह से जैसे कि मैं अभी जिस स्थिति में हूँ, मेरा शरीर में सगुण भी है निर्गुण भी है, और उसके साथ साथ आपके पास ये तीनों चीजें भी हैं। तो मैं अभी आता हूँ, तो उसके बाद क्या होता है कि मैंने तो आपको बता दिया कि किसी चक्र की वजह से अगर आपको भौतिक चीजें करनी है, भौतिक चीजें का मतलब क्या होता है कि आपको शक्तियों में महारत हासिल करने की जरूरत है, जैसे कि जीवन में क्या करना है, क्योंकि अगर भौतिक तरीके से करना है, भौतिक का अर्थ सिर्फ जो हम लोग देख सकते हैं वो नहीं है, जो दूसरे आयाम भी होते हैं जो सूक्ष्म तरीके से हैं, मगर वो भी भौतिक ही है। जैसे कि आपका जो प्राणमय कोश हो गया, जिसमें आपका प्राण वगैरह बहती है, वो भी एक तरीके से भौतिक ही है, मगर सूक्ष्म तरीके की भौतिक ही है, ठीक है। तो क्या होता है कि अगर आप आसानी से जाके करेंगे तो उसमें बहुत समय लग जाएगा, ठीक है। हाँ,
तो क्या होता है कि जी आप ऐसी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि अंततः मैंने बताया कि ये सब सिर्फ शक्ति से ही निर्माण है सब कुछ। तो आप उसमें ऐसी तरीके व्यतीत कर सकते हैं जिसको सिद्धियां वगैरह कर सकते हैं, या फिर किसी तरीके से एक तरीके के तरीके आप बना सकते हैं जिसकी वजह से जो कुछ आप नहीं कर सकते हैं वो आप करवा सकते हैं, जिसको हम लोग अकल्ट भी बोलते हैं। ठीक है, अकल्ट और तंत्र दोनों एक तरीके से आ सकते हैं, मगर अकल्ट इज कंप्लीटली डिफरेंट, डन फॉर सर्टेन काइंड ऑफ टास्क। ठीक है, उसमें कर्म ओके कर्म उसमें ऐड हो सकती है, उसमें कर्म आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, यू आर जस्ट ट्राइंग टू डू सर्टेन काइंड ऑफ थिंग विदाउट क्लीनिंग योर कार्मा। यू कैन एक्चुअली लाइक यू मल्टीप्लाई योर कार्मा विद अकल्ट ऑल्सो, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू बेंड द लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, जो प्रकृति का नियम है उसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं आप अकल्ट की वजह से। ठीक है, मगर तंत्र ऐसा है कि तंत्र इज नाइदर द पॉजिटिव नॉन नेगेटिव, और तंत्र का वही उद्देश्य रहता है कि आप पहले समझें कि एक कैसे चलता है सब कुछ। ठीक है, अब उसी को एक तरीके से आप सिस्टमेटिक तरीके से बनाएंगे तभी उससे निकलती हैं देवियां। ठीक है तो ओके अगर आपको जैसे कि मान लीजिए कि आपको सिर्फ उन्नति वगैरह चाहिए, आपको प्रभुत्व वगैरह चाहिए, तो आप लक्ष्मी की ध्यान कर सकते हैं या फिर उसी तरीके से देवियां निर्माण कर सकते हैं। मगर इफ यू वांट टू हैव लाइक अ मोर तंत्र वगैरह कि किस एक्सेलरेशन तरीके से जाना है, तो उसमें आप अलग अलग तरीके के देवियां बनाते हैं वो लोग। उससे उनमें क्या होता है कि उसमें एक तरीके की एबिलिटीज आ जाती है जिसको हम सिद्धियां बोलते हैं। अब जो 10 महाविद्या की बात आप करते हैं तो दे आर कंप्लीटली तंत्र बेस्ड देवीज। ठीक है, ये सब तंत्र वाली देवियां हैं सबके सब, जो सबसे शुरू में आपके काली से शुरू हो गए, तारा हो गए, और जो काली होती हैं शी इज द मोस्ट एक्सट्रीम और सबसे भयंकर होती है वो। ठीक है, सो जी शी इज नॉट फॉर एवरीबडी। ठीक है, और जो मोक्ष की प्राप्ति के लिए और आपके पास गुरु है तो आप ये सब के लिए भूल जाएं, ये इस सब की जरूरत नहीं है आपके लिए। ठीक है, जी अन्ना हाँ, तो जो भैरवी की बात आप लोग कर रहे थे तो भैरवी से भी पहले मैं दूसरी चीजों में आऊंगा। सबसे पहले जैसे कि माँ छिन्नमस्ता हो गई, और उसके बाद हो गया सबसे कंड्यूसिव देवी होते हैं त्रिपुरा सुंदरी, उनको षोडशी भी बोलते हैं। षोडशी इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सिर्फ 16 साल की है हमेशा। ठीक है, षोडशी का अर्थ जी ही रहता है 16, उसको षोडशी और कामेश्वरी और भी बोलते हैं, और उसको त्रिपुरा सुंदरी इसलिए बोलते हैं जो शिव जी को भी, शिव जी के मन को भी हर सके, जो महातपस्वी है आदि योगी है उसको भी हर सके, जी उनको बोलते हैं त्रिपुरा सुंदरी। ठीक है, और बाला त्रिपुरा सुंदरी बोलते हैं क्योंकि वो 16 साल के होते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ज्यादा से ज्यादा लोग जगह में जाएंगे, जैसे कि माँ कामाख्या हो गया, वहां पे सेंटर में भी माँ त्रिपुरा सुंदरी है। ठीक है, अगर आप भक्तपुर में जाएंगे, काठमांडू वगैरह में जाएंगे, या फिर किसी भी जगह में जाएंगे जहाँ पे यंत्र की तरीके से कोई शहर को निर्माण किया गया है, तो सेंटर में होते हैं जय हमेशा माँ त्रिपुरा सुंदरी होती है, और उसके परिधि में आपके दूसरे 10 महाविद्याएं होती हैं। ठीक है, और ये जो 10 महाविद्या की हम लोग बात कर रहे हैं दे आर कंप्लीटली नॉर्मली इन तामसिक इन नेचर। ठीक है, तामसिक का मतलब अर्थ क्या होता है, उनको जीवित रखने के लिए आपको बलि की जरूरत रहती है। ठीक है, ओके हाँ, तो उससे आपके जीवित रहते हैं क्योंकि यू आर ट्राइंग टू ब्रेक द लॉज ऑफ नेचर। ठीक है, इसीलिए दैट्स व्हाई आई एम सेइंग दैट लाइक लोगों को इसके बारे में पता होने की जरूरत रहती है। ठीक है, मगर मैं नहीं कहता कि सबके सब तामसिक ही रहते हैं, उसमें राजसिक भी रहते हैं, मगर दे आर मेनली नॉट मेंट फॉर लाइक अ प्योरली स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, उसमें स्पिरिचुअल डायमेंशन भी है, मैं नहीं कहता, मगर इट्स नॉट फॉर एवरीवन हु इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर ऑल दिस थिंग, क्योंकि देवी की वजह से क्या हो जाता है कि आपके जीवन में बहुत जल्दी से रूपांतरण आ जाता है, जिसके लिए ज्यादातर लोग तैयार भी नहीं है। जैसे ही मैंने आपने पूछा था कि लोगों ने शंभवी करना शुरू कर दिया, एक दो चीजें जी होना शुरू हो गया उनके जीवन में, तो जी लोग अन्ना पहले से कंप्लेन करना शुरू कर दिया। तो अगर आप देवी को आह्वान करेंगे और आप तैयार नहीं है तो क्या हो जाएगा, मैंने देखा है। मैं आपको बताता था कि बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि उन लोगों को मंत्र वगैरह मिल जाता है, कुछ मिल जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि वो देवी को आह्वान करते हैं, और वो आह्वान भी कर सकते हैं अपने शरीर में ही। ठीक है, उसको ओरेकल वगैरह बोलते हैं, आपको भी पता होगा, आपने जी अन्ना एक तरीके से एक
मूवी भी देखे हुए, कांतारा, कांतारा भी देखे हुए हैं। जी जी आई एम हम नॉट सेइंग लाइक सेम हुए, मगर उसी तरीके से लोग क्या करते हैं कि वो वगैरह कर प्रैक्टिस करके देवी को ग्रहण करते हैं, तो उसके बाद क्या हो जाता है कि आप में वो सिद्धियां वगैरह आ जाती है जो देवी होते हैं। मगर बाद में क्या हो जाता है कि दे गेट लिटिल बिट, आई एम नॉट सेइंग फॉर एवरीवन, वहां पे बहुत सारे योगियां भी है जिन्हें जिन्होंने वो मास्टर भी किए हुए हैं, मगर इन मेनी केसेस आई डोंट वॉन्ट टू गो इन टू टू मच डिटेल इन टू दिस वन। मगर क्या होता है कि जो शक्ति आप काबू में नहीं कर सकते उसको आके क्या करते हैं कि लोग उसको ज्यादा समय तक रखते हैं, पहली चीज। और दूसरी गलती वो लोग करते हैं कि वो देवी को ही कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं वो लोग, ठीक है, उसको काबू में करने की कोशिश करते हैं। नाउ इट्स नॉट अबाउट डिवोशन, इट इज मोर अबाउट टेस्टिंग योर पावर, समझ में आ गया, आप में जो सिद्धियां आ गया ना, ठीक है। हाँ, तो जी उसकी हाँ वजह से क्या हो जाता है कि उसकी वजह से क्या हो जाता है कि नाउ इफ यू आर हैंडलिंग सर्टेन काइंड ऑफ एनर्जी विदाउट लॉट ऑफ साधना, इट कैन डैमेज योर सिस्टम ऑल्सो। ओके, इट यस इज 100% श्योर, आई हैव सीन इन मेनी केसेस ऑल्सो। तो ये सब चीजें हैं। और जो वैरवी की बात आप लोग करते हैं, और आई विल गो अ लिटिल बिट अबाउट द 10 महाविद्या पहले, तो उसमें वैरवी इज ऑल्सो वेरी नॉट कंडिसिव फॉर पीपल, ठीक है, वो कंडिसिव नहीं है। जो लोग लोगों लोग जो परिवार में रहते हैं, इट इज नॉट कंडिसिव फॉर देम टू गो एंड सीट एंड मेडिटेट इन फ्रंट ऑफ द वैरवी एंड एवरीथिंग, बिकॉज शी इज अ वेरी फेयर डेटी, ठीक है। जैसे यस कि आपका दूसरे हो गया, दूसरे देवी या वगैरह भी है वहां पे, तो सबसे कंडिसिव होता है आपका त्रिपुरा सुंदरी, शी इज अ वेरी सात्विक काइंड ऑफ डेटी, बट शी कैन ऑल्सो हैव लाइक अ डिफरेंट काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशन, जैसे कामाख्या में है, बहुत शक्तिशाली है। और जैसे मटंगी और कमला होती हैं, जो आपके माता लक्ष्मी और माता सरस्वती जैसे ही होती हैं, मगर दे आर ऑल्सो लाइक ए तांत्रिक डेटीज, सो दैट लाइक यू कैन एक्वायर लाइक यू नो दी, जैसे कि लोगों ने देखा होगा कि मिस्टिसिज्म वाली एबिलिटीज या फिर हीलिंग पावर्स, और जैसे बहुत सारी सिद्धियां होती हैं जो वो सब प्राप्त करने के लिए एक्सेलरेशन दे सकते हैं वो लोग। मगर जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग सिर्फ मोक्ष की प्राप्ति के लिए या फिर आराम से जीवन में रहना चाहते हैं, उनको जीवन में ज्यादा एक्शन नहीं चाहिए, तो वो लोग इन सबसे दूर रहे, पहली चीज तो मैंने बता दिया। तो वंस यू अंडरस्टैंड हाउ योर सिस्टम वर्क्स, दे क्रिएटेड, उन लोगों ने एक तरीके की विधियां बनाई, उनको अगम शास्त्र भी बोलते हैं और तंत्र शास्त्र भी बोलते हैं, जिसके तरीके से वो लोग कुछ देवियां को प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, जिसकी वजह से जो आपके जीवन शरीर में एक तरीके, आपके सिस्टम में, आपके जो प्रणाली में एक तरीके की संभावना है, वो संभावना है आप वो प्रतिमा में या फिर वो यंत्र में आप वो प्राण प्रतिष्ठित करते हैं। वो करने की कोशिश क्यों होगी, क्योंकि आपका शरीर में सीमितता यह है कि इस शरीर को भूख भी लगती है, नींद भी लगती है, सोना भी पड़ता है नहीं, हाँ, और एक दिन मर भी जाएगा, है नहीं, जी एन और जी कभी साधना करने का मन भी करेगा, कभी नहीं करेगा, है नहीं, हाँ। मगर जो प्राण प्रतिष्ठित कर लिया वो तो 24 आवर्स, ये तो पावर यस सोर्स हो गया। तो उसी वजह से हम लोग बहुत आभारी हैं कि किसी भी बदलाव लोगों ने प्राण प्रतिष्ठित की हुए है, वो सब हम लोग ग्रहण करने की एक अवस्था में आ चुके हैं। और सदगुरु जी का तो बहुत बहुत योगदान है कि उन्होंने इतने सारे प्राण प्रतिष्ठा किया हुआ है। और आपको तो पता चल गया कि ये 10 महाविद्या वगैरह क्या होती है, देवी वगैरह क्या होती है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक संभावना के लिए वो करते हैं, मगर आप इंटरनेट से मत सीखिए, किसी से मत सीखिए, मुझसे भी मत सीखिए ये चीजें, ठीक है। आपको सिर्फ सीखना है, आपके गुरु से सीखना है, आपको क्या चाहिए पहले वो निर्धारण कीजिए सबसे पहले। अगर आप निर्धारण नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपकी साधनाएं कुछ करती रहेंगी और आप चाहते कुछ हो रहे, ठीक है, तो यस इससे बड़ी दुर्घटना कुछ भी नहीं होगी। सबसे पहली चीज तो ये है। जी और दूसरी अंदर चीज जो आपने बताया कि लिंग भैरवी, देवी और भैरवी के बारे में, मैं माता तारा के बारे में भी आऊंगा थोड़ी देर में, तो लिंग भैरवी में और भैरवी में क्या अंतर है कि जैसे कि पहली चीज कोई भी देवी वगैरह हम लोग देख रहे हैं, देवी डज नॉट हैव 10 आर्म्स, देवी के 10 हाथ नहीं होते हैं, देवी के हमारे जैसे मुंह भी नहीं होते हैं, उनके कोई शरीर भी नहीं होते हैं, हाथ पैर भी नहीं है, कुछ भी नहीं होते, वो शेर के ऊपर भी नहीं चढ़ती है, पहली चीज। दिस इज अ हार्डकोर स्पिरिचुअलिटी फॉर यू, ठीक है। देवी इज सर्टेन पॉसिबिलिटी, वो एक दूसरे आयाम है, एक ऊर्जा के आयाम है, जो हमारे एक प्रणाली को एक तरीके से सशक्तिकरण करके एक तरीके की
आपको संभावनाएं प्रदान करती है। सबसे पहले तो ये जानने की कोशिश होती है। तो इसीलिए जब योगी प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, वो एक तरीके के यंत्र वगैरह को लेते हैं, ठीक है, जहां पे जो कुछ भी उपलब्ध हो, है ना। जैसे कि मान लो कि हम लोग ऐसी जगह में जी रहे हैं जहां पे आप लोगों को बाहर के लोगों से कोई कनेक्शन नहीं है, तो आप क्या यूज करेंगे? जो आपको मिलेगा वही प्रयोग करेंगे, है ना। हाँ, उसी जी वजह जी से क्या हाँ हुआ है कि जिसके पास मंत्र वगैरह थे, उन लोगों ने मंत्र से प्राण प्रतिष्ठा की, ठीक है, क्योंकि मंत्र से करना इज अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एंड इट्स अ वेरी कंबर्सम एंड लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है। जी मैंने एक अल्लाह मंदिर का देखा था, मैं नाम नहीं बोलूंगा, मगर वहां पे था कि हर दिन आपको 1008 नारियल तोड़ने की जरूरत है, क्योंकि दे वॉन्ट टू डू द सात्विक काइंड ऑफ प्राण प्रतिष्ठा। मान लो कि यस 1000 नारियल हर दिन तोड़ना है आपको सिर्फ डेटी को जीवित रखने के लिए, एंड इट्स अ वेरी कम्बर्सम जॉब। मान लो कि यस अभी अल्लाह आपको बता दिया कि यू हैव अ ओपनिंग इन दिस टेम्पल, यू गेट अ जॉब, नाउ योर टास्क इज एवरी डे लाइक अ ब्रेक 1008 नारियल। इफ यू डोंट हैव अ यस डिवोशन, द पेनफुल प्रोसेस है नहीं, हर दिन यस अल्लाह आओ फोड़ो, हर दिन आओ फोड़ो, ठीक है। मैं नहीं बोलता कि ये सही गलत है, ऐसा नहीं है, जैसे ही मैंने बताया कि जिसके पास जो उपलब्ध है वो वही प्रयोग करेगा, है नहीं। हाँ, जी अल्लाह तो दूसरी चीज होता है कि जो लोग हिमालय वगैरह में रहते थे, जो वहां पे रहते थे, तो उन लोगों ने पता किया कि अगर हमारे में जो प्राण रहता है वही प्राण जानवर में भी है, पेड़ में भी है, सब कुछ में, इसलिए हम लोग फूल अर्पण करते हैं, है नहीं, देवी वगैरह को, है नहीं, क्योंकि उसमें प्राण है, वो जीवित है। जी तो उसी जी तरीके से अल्लाह उन लोगों ने पता किया कि अगर हम किसी जानवर को एक तरीके से बलि देंगे तो उसके प्राण से वो देवी भी जीवित हो सकती है। और दूसरी चीज लोगों को पता नहीं है, क्योंकि हम लोग जो भी साधना वगैरह कर रहे हैं, हम लोग क्या है, हम लोग एक तरीके की सीमितता से अगली आयाम में एक तरीके से प्रगति करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो उसी हिसाब से क्या होता है कि जिस जानवर वगैरह को बलि देते हैं, तो वो जानवर की जब जीव वहां से बाहर निकले ना, वो ऊर्जा, जीवन ऊर्जा जिसको हम बींग बोलते हैं, वो निकलते हैं, तो दैट विल ऑल्सो गो थ्रू द ट्रांसफॉर्मेशन, उसमें भी रूपांतरित हो जाता है। हमको नहीं पता कि हम लोगों में बहुत सारे लोग हैं, हम लोगों में से किसी एक को भी बलि दी गई होगी, वी डू नॉट नो, वाह मे बी बिकॉज ऑफ दैट रीजन हम लोगों में एक्सलरेशन हो गई एक तरीके से प्रोग्रेशन, और हम एक तरीके का मानव का शरीर हम लोगों ने धारण कर लिया, ये भी संभव है। तो वाह जो जानवर अपने हिसाब से साधना नहीं कर सकता, उसके लिए एक तरीके से उसकी वजह से देवी की प्रतिमा वो भी जीवित हो गई, और दूसरी तरीके से उसने वो देवी की जो कृपा ऊर्जा होती है ना, उस ऊर्जा की वजह से वो बींग को भी एक तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया उसमें, ठीक है। क्योंकि जी जब आपका शरीर टूट जाता है ना, तो उसमें बहुत सारा ऊर्जा निकल जाता है, और ऊर्जा को जब एक ऊर्जा में मिल जाता है, तो मैंने एक तरीके का वो विष्णुपद मंदिर में भी एक तरीके का अनुभव हुआ था, वो सात्विक है, मंदिर है, सात्विक मंदिर है, मगर वहां पे मुझे पता चला कि लोग वहां पे आके पौराणिक समय से, हमको पता भी नहीं है, दैट टेम्पल इज एक्चुअली प्रोटेक्टेड बाय द एएसआई, जिसको आप जैसे कि सर्वे ऑफ इंडिया बोलते आर्किलो हैं, आर्कियोलॉजिकल यस सर्वे ऑफ इंडिया, तो उसके अंतर्गत है। हम लोगों को पता भी नहीं है कि वो मंदिर कितना पुराना है, और हम लोगों को पता भी नहीं है कि वहां पे जो प्राण प्रतिष्ठित जगह है वो कितना पुराना है, ठीक है। वो इतना शक्तिशाली है कि लोगों को पता हो नहीं हो, अभी के बंदे को मुझे नहीं पता, मगर जब मैं वहां गया तो मुझे पता चल गया कि ये क्या प्रोसेस है। क्योंकि वहां पे ऐसा है कि कहीं भी अब जाओ आप, जैसे कि किसी भी गर्भगृह में नहीं जा सकते, मगर वहां ऐसा है कि आप जाके छू सकते हैं। उसका मतलब क्या होता है कि वो लोग क्या करते हैं कि एक तरीके से जो भी इंसान ने शरीर त्याग चुके हैं, उनकी जो एक तरह के प्रोसेस वगैरह होते हैं, प्रोसेस करने के बाद उसको आह्वान करके, उस जीव को आह्वान करके उसको वहां पे चढ़ाया जाता है, वहां पे तो पहले से ऊर्जा है नहीं, ठीक यस है। क्योंकि उसके शरीर में तो एक तरह का चेतन नहीं है कि क्या सही है क्या गलत नहीं है, ठीक है। हाँ, जब तक ये चेतना है तभी आपको पता चलेगा कि क्या गलत है क्या सही है, मगर उसमें तो नहीं है ना, तो उसमें क्या हो जाता है कि वो ऊर्जा से उसको बहुत प्रगति हो जाएगी, और कोई चरम सीमा में पहले से इवोल्यूशन में, तो उसको मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाएगी, दैट इज 100% गारंटेड, वाह ठीक है। वाह तो ये तो मैंने आपको बलि की बात बता दी, और बलि सही भी, मैं सही भी नहीं बोलूंगा, गलत भी नहीं बोलूंगा, इट्स अ वन ऑफ द टेक्नोलॉजी, क्योंकि जो देवी यस होती है, लोग बोलते हैं कि अरे देवी तो एक तरीके की होती है, शी इज अ वेरी डेंजरस काइंड ऑफ डेटी और समथिंग लाइक, देयर इज नो सच थिंग एज डेंजरस और एनीथिंग, ठीक है। लोग जो भी टेक्नोलॉजी लोगों के पास थी, जो भी जाने और अनजाने उन तरीके ने प्रयोग की, और इट इज वर्किंग फॉर देम, है नहीं,
लोग यस अंदर, मांस भी खा रहे हैं, अभी दारू भी खा रहे हैं, क्योंकि दे थिंक दैट लाइक इट इज वर्किंग फॉर देम है। मांस से क्या हो यस जाता अंदर, है कि उन लोगों में एग्रेशन आ रहे हैं, जो लोग रेगिस्तान में रहते हैं या फिर समंदर के पास में रहते हैं, अगर वो लोग मांस नहीं खाएंगे तो कैसे जीवित रहेंगे, है? हाँ, इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग। अब वापस आते हैं लिंग भैरवी और भैरवी के बारे में। लोग बोलते हैं कि, और इसीलिए मैं बोल रहा था कि फिर से मैं थोड़ा सा कंटिन्यू करूंगा पिछले चीज में, तो देवी की कोई स्वरूप नहीं होती है, उनके कोई हाथ पैर कुछ भी नहीं होते हैं। हाथ पैर इसलिए रखे गए हैं क्योंकि जो लोग मंदिर में जाते हैं दे कैन कनेक्ट विद द डेटी, ठीक है? हाँ, जी अन्ना, दे कैन कनेक्ट विद द डेटी, क्योंकि अगर आपने पौराणिक समय की कोई भी शक्ति स्थल में गए हुए हैं, कभी भी गए हैं, तो यू विल नेवर फाइंड अ फॉर्म ऑफ अ देवी। फॉर्म ऑफ अ ह्यूमन बींग लाइक अ फॉर्म इज अ रिसेंट हैपनिंग, ठीक है? इज अ रिसेंट ओके हैपनिंग, क्योंकि पुराने जमाने में लोगों के पास वो तकनीक भी नहीं थी कि वो मूर्तियां कैसे बनाएंगे, ठीक है? जी हाँ, अन्ना जिस टाइम पे जी, वो सब कुछ हुए, तो अगर आप नेपाल में या फिर कामाख्या वगैरह कोई भी जगह में जाएंगे तो आपको देखेंगे कि सिर्फ एक पत्थर है, ठीक है? पत्थर है और उसी से उड़ जा रहे हैं, खतरनाक उड़ जा रहे हैं। हाँ, ठीक है। हाँ, और उसमें क्या है कि उसमें सिर्फ रिसेंटली लोगों को पता चल जाएगा कि ये देवी है, तो उन लोगों ने एक तरीके से जो प्रतिमाएं वगैरह है, एक क्राउन वगैरह होती है, एक तरीके के आभूषण वगैरह है, वो पहना दिया है। दैट इज अ रिसेंट अपनी, ठीक है? और दे आर अलाइव ओनली बिकॉज दे आर, वो लोग वहां पे जो कुछ भी करने चाहते थे, रिचुअल वगैरह जो कुछ भी करना है, वो लोग उन लोगों ने किया हुआ है, ठीक है? दैट्स जी व्हाई लाइक दे आर अलाइव। अब बातें आते हैं कि सदगुरु जी ने जो प्राण प्रतिष्ठा किया है, मगर उसमें लिंग की प्रतिमा क्यों है? देयर आर टू आंसर टू दिस वन। पहली चीज तो ये है कि संसार में जो कुछ भी हम लोगों ने देखा हुआ है, क्या वो पुराना है या फिर नया भी आता है उसमें? ठीक नया भी आता है ना? जैसे कि आपने मोबाइल यस देखा हुआ है, सेटेलाइट देखा हुआ है, रॉकेट वगैरह देखा हुआ है, आपने मोटर बाइक वगैरह देखा हुआ है, वो तो पहले थे, नहीं था, है नहीं? तो जी जो कुछ भी अन्ना नया आता है वो क्या आता है? काबिलियत की वजह से आता है, क्योंकि जी अभी ऐसे योगियां होंगे, मैं नहीं कहूंगा कि नहीं होंगे, मगर ऐसी योगियां नहीं है जो सदगुरु जी की तरह से प्राण प्रतिष्ठा कर सकते ओपनली टू पीपल, ठीक है? क्योंकि उन लोगों ने ओपनली किया हुआ है, तो लोगों को पता चल चुका है। तो इट्स अ कैपेबिलिटी ऑल्सो वन थिंग। और मैं कैपेबिलिटी की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अगर आपने मंत्रों की वजह से या फिर नारियल तोड़ने की वजह से या फिर बलि देने की तरीके से प्राण प्रतिष्ठा की गई है, तो क्या होगा? तो वो उसको जीवित रखने के लिए वो प्रोसेस करने की, जारी करने की जरूरत है, ठीक है? अगर वो नहीं करेंगे तो उसमें जो ऊर्जा वगैरह है वो अपने आप कम होती चली जाएंगे, ठीक है? और ऐसा समय भी आ सकता है कि आप जाएंगे तो वहां पे ऊर्जा कुछ भी नहीं होगी, ठीक है? कुछ समय के बाद, बहुत लंबे समय के बाद। मैंने कहा था कि आज के कल ही हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इट विल स्टार्ट जी रिसेटिंग। यस अन्ना तो सदगुरु जी ने बताया था कि अगर जहां से ऊर्जा भाग के चली जाती है, जहां पे इस तरीके की गए थे, तो इट्स गोइंग टू बी वेरी बैड फॉर पीपल टू विजिट दैट काइंड ऑफ प्लेसेस। और इसी की वजह से हम लोगों ने जो भी यात्रा की थी, दैट इज वन थिंग। तो अब लिंग की बात करते हैं। लिंग की शेप में क्यों है? क्योंकि इलेप्सोइड इज द ओनली थिंग दैट कैन एक्चुअली इज फ्रिक्शन फ्री इन ऑल एरियाज, ठीक है? जो जैसे कि मेरे पास, जैसे कि मान लो कि ऊर्जा है मेरे पास, ठीक है? अब मैं जो ऊर्जा मेरे पास है, जो ऊर्जा है वो ऊर्जा चारों ओर बिना किसी रुकावट और फ्रिक्शन के तरीके से चारों ओर मैं अगर फेंकना चाहूं, तो व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट शेप, बताइए मुझे। इज ए अन्ना, स्फीयर ये है, तो इज ए स्फीयर। यस जैसे कि यस अगर अन्ना राउंड है तो शिवलिंग भी राउंड इसीलिए होता है क्योंकि शिव जी ने, ऐसा नहीं था कि शिव जी ने मुझे राउंड स्फेरिकल शेप पसंद है इसलिए उन्होंने वो चूज नहीं किया, बिकॉज इट इज यस अन्ना ज्योमेट्रिकली परफेक्ट लाइक अ यस शेप अन्ना दैट इज गोइंग टू यू नो रेडिएट द एनर्जी इन दैट यस एरिया, इसीलिए। और इट्स मेड विद, दैट इज द वन थिंग लिंग वैरवी, बिकॉज लाइक इट कैन लास्ट, जैसे सदगुरु जी ने लास्ट बार बताया था कि इट कैन लास्ट अप टू लाइक 7,000 ईयर्स। जो लिंग भैरवी प्राण प्रतिष्ठा की गई है नेपाल में, तो उन्होंने बताया था कि 7,000 साल तक वो जीवित रह जाएंगे, इसकी वजह से उसको फिर से प्राण प्रतिष्ठा करने की कोई कोशिश जरूरत नहीं है। तो दैट इज अ जी प्रैक्टिकल रीजन और कैपेबिलिटी, दीज आर द टू थिंग्स व्हाई ही इज इन द फॉर्म ऑफ दैट वन। एंड जो भी हम लोग ग्रंथ की बात कर रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि
जैसे कि इन्वेडर्स आ गए बाहर से, उन लोगों ने बहुत सारी ध्वस्त कर दी। तो हम लोगों ने जो पहले जो डॉक्यूमेंटेशन थी, जैसे अगम शास्त्र या फिर तंत्र शास्त्र, प्राण प्रतिष्ठा करने वाली प्रकृति वगैरह थी, उसमें हम लोगों ने उसको इम्प्रूव करने के लिए वो बीच में जेनरेशन गैप हो गया पूरा का पूरा। ठीक है, क्योंकि यस अगर यस आपके भाई पास पता होगा तो उसी को तो इम्प्रूव करके नया नया तरीके से कर सकते हैं ना। है, हाँ, जी तो इसकी वजह से वो गैप हो गया है बीच में। तो यही उत्तर देना चाहता हूँ। और अगर आप माँ तारा के बारे में बात करना चाहते हैं तो क्या होता है कि मैं ज्यादा तरीके से नहीं जाऊंगा इसमें, मगर क्या कि अगर आप कोई भी देवी साधना करते हैं या फिर देवी साधना करने की भी जरूरत नहीं है, किसी तरीके से आप एक तरीके से उनसे कनेक्ट हो गए तो यू कैन एक्चुअली लेट देम यू नो एक्ट थ्रू यू। ये संभव है, सिर्फ वो नहीं, मैं ज्यादा दूर पुश नहीं करूंगा, मगर ये संभव है कि आप किसी भी दैवीय शक्ति को आपके आप पे डाउनलोड कर सकते हैं, मगर यू शुड नॉट बी अटेम्प्टिंग दिस लाइक अनलेस यू आर इकोनॉमस और एक तरीके के संतुलन में नहीं है। और ये करने की जरूरत भी नहीं है, आवश्यकता भी नहीं है। आपने पूछा इसलिए मैंने बताया। तो क्या होता है कि अगर आप किसी भी देवी की साधना करते हैं या फिर नहीं करते हैं, या फिर किसी तरीके से आपने कृपा हो गई, तो वो आपके लिए बहुत सारी आयामें बहुत अच्छी तरीके से वो खोल देंगे, मगर आपको बैलेंस रहने की जरूरत है। मगर आप ऐसे हैं कि जो कुछ भी हो गया आप रोना चालू कर देंगे या फिर कंप्लेन करना शुरू कर देंगे। आपके जीवन में अच्छी चीज हो रही है, आप सदगुरु को नहीं पुकारेंगे, मगर आपके जीवन में कुछ बुरा हो रहा है तभी आप सदगुरु के बारे में सोचेंगे। तो दिस इज नॉट द बेस्ट वे। इसीलिए योग में एक चीज है आपका अष्टांग योग में, उसमें यम और नियम बोलते हैं। ठीक है, तो नियम में एक चीज है, उसमें बोलते हैं ईश्वर परिधान। ईश्वर परिधान का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी आपके जीवन में घटित हो रहा है, नहीं भी घटित हो रहा है, जो कुछ आप चाहते हैं नहीं भी चाहते हैं, अच्छी हो बुरी हो, वो सब क्या करना है, एक समर्पण भाव ईश्वर के प्रति। अगर आपके पास गुरु है तो गुरु के प्रति समर्पण कर दीजिए, अच्छा आए समर्पण कीजिए, बुरी आए समर्पण कीजिए। मगर अभी तो क्या हो रहा है कि आप ना तो समर्पण कर रहे हैं अच्छी बात समर्पण कर रहे हैं, या फिर बुरी बात भी समर्पण नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ कर रहे हैं कि मेरे जैसा नहीं हो रहा है। मेरे जैसे नहीं हो रहा का मतलब ये है कि इसका मतलब ये हो रहा है कि आप सोचते हैं कि आप ही सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं और आपके हिसाब से चलनी चाहिए सृष्टि यस इसका मतलब तो वही हो गया है। यस अगर जीवन अन्ना आपके हिसाब से चलना है तो इसका मतलब होता है कि आप एक कर्ता धर्ता है इसका। तो अगर इस तरीके से सोचेंगे तो सृष्टि को पता है कि आपको किस तरीके से मोड़ना है मरोड़ना है, आपको किस तरीके से सबक सिखाना है, क्योंकि वो भी इसलिए सबक आपको सिखा नहीं रही है, आपको इस तरीके से सबक नहीं सिखा रहे हैं क्योंकि आप नहीं सुन रहे हैं और आप दास नहीं है, ऐसा नहीं। उनको पता है कि आपका अल्टीमेट पॉसिबिलिटी, जो सदगुरु बोलते हैं, आपका अल्टीमेट पॉसिबिलिटी उनको पता है, और वो संभावनाएं आपके लिए प्रदान कर रही हैं ताकि आप इससे भी ऊपर उठ के देखें कि आप शरीर भी नहीं है मन भी नहीं है। अगर आप एक तरीके से बैठेंगे कि मैं शरीर भी नहीं हूँ मन भी नहीं हूँ, एक तरीके से देखेंगे तो आपका जो प्रश्न था ना कि मृत्यु क्या है, वो भी कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि मृत्यु तो सिर्फ शरीर को आता है, आपके जो सचेत मन को आता है। ठीक है, और उसके बाद जो भी परेशानी वगैरह हम लोग सोच रहे हैं, वो परेशानी अगर आप देखेंगे तो एक तरीके का एक ट्रांजिशन है। आपको पता होगा कि कोई भी अच्छी चीज या फिर बुरी चीज बाहर घटित हो रही है, वो कभी भी हर हमेशा नहीं रहने वाला। ठीक है, इट यस ऑलवेज हैव समथिंग नोन एज दी मोमेंटम। ठीक है, मोमेंटम यस रहता है उसका हमेशा, उसको ही बोलते हैं कर्म। जब कर्म की फल प्राप्त होता है वो खत्म हो जाता है, कर्म अपने आप खत्म होता है, मगर अगर आप वो कर्म को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो कर्म को बारे में ज्यादा सोचते हैं और उसको चेंज करना चाहते हैं, तो इट विल गेन मोमेंटम। ठीक है, उसी की वजह से आपका आगामी कर्म क्रिएट हो जाता है, जो हमने पिछले पॉडकास्ट में बात की थी, तो यस उसके बारे में मैं ज्यादा नहीं करना चाहता, मगर सबसे पहले हम यस लोगों को जानने की जरूरत है कि जब हम लोग यहाँ बैठ रहे हैं, हमारा जीवन अपने आप चल रहा है। सबसे पहली चीज, जैसे कि यस अन्ना आपको दर्द भी अपने आप हो रहा है, भूख भी अपने आप लग रही है, नींद भी अपने आप लग रहे हैं,
टॉयलेट जाना भी अपने यस आप लग रहा है, प्यार भी अपने आप हो रहा है नहीं, है नहीं, हाँ, यस दर्द भी अपने आप हो यस रहा है, तो सब कुछ अपने आप हो रहा है। आपको तो कुछ क्या करना है, जैसे कि आप कुछ मूवी देखते हैं, अगर मूवी में सिर्फ लव ही लव हो रहा है तो आपको बोरिंग हो जाएगा, उसमें वार ही वार है तो आपको बोरिंग हो जाएगा, है नहीं, उसमें सब कुछ हो रहा है इसलिए आपको मजा हो रहा है, मगर आपके जीवन में भी ये सब हो रहा है मगर आप कंप्लेन कर रहे हैं। कंप्लेन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मूवी में यू हैड अ डिस्टेंस बिटवीन द मूवी एंड यू, आपको पता था कि ये आपके साथ यस नहीं हो, तो ये भी वही यस है, ये भी एक तरीके का ही एक ठहराव है जो हमेशा नहीं होने वाला है, तो आपको सिर्फ भक्ति भाव या फिर समर्पण भाव, सदगुरु जी ने इतने सारे साधन वगैरह दिए हुए हैं, तो कमिंग बैक टू द साधन, तो साधन की अच्छा प्रयोग करने की जरूरत है, और ऐसा नहीं है कि जैसे सदगुरु जी एक उदाहरण देते थे कि आपने प्रेशर कुकर में कुछ आंच पे रख दी, तो उसके बाद क्या है कि अब हर टाइम जाके खोल के देख रहे हैं कि पका है या नहीं, तो इस तरीके से कुछ होने वाला नहीं है, तो आपको कंपेयर भी करने की जरूरत नहीं है कि कल मैंने जैसे मान लो कि 5 घंटे साधना की, आज मैंने 1 घंटा भी नहीं किया, इस तरह की सोचने की जरूरत नहीं, कल कल था आज आज है, आपको सिर्फ आज यस के लिए देखना है आप उसको किस तरीके से अपना बेस्ट दे सकते हैं, सदगुरु बोलते हैं बेस्ट, नॉट सदगुरु इज बेस्ट, नॉट आदियोगी इज बेस्ट, नॉट गौरव बन्ना इज बेस्ट, नॉट राम बन्ना इज बेस्ट, योर बेस्ट, ठीक यस है, अन्ना साधना कर सकते हैं साधना कीजिए, साधना नहीं कर सकते आपके पास तो कर्म योग और भक्ति योग तो 100% है, फ्री है ना, ना कुछ करने की जरूरत नहीं है, यस आपको दिखावट करने की जरूरत नहीं है, आपके अंदर एक तरीके से समर्पण भाव और भक्ति भाव है, इट्स ऑलरेडी देयर। जी अन्ना, ओके सो यही ऑलमोस्ट क्वेश्चन खत्म हो चुके जो हमें लास्ट टॉपिक पे बात करनी थी वो भी आपने बता दिया। हाँ जी सो अन्ना, ऑफिशियली पॉडकास्ट तो अन्ना इट्स ओवर। मैं हाँ सभी लोगों से कहना यही चाहूंगा कि आप लोग जितना जितने लोगों को इसकी जरूरत है उन लोगों तक ये पॉडकास्ट जरूर पहुंचाए, और इसके बाद राम मन्ना के साथ अगला पॉडकास्ट हमें नहीं पता कब होगा। सो जितना भी फायदा उठाया जा सके हाँ उनका उठाए, और रामन्ना का इंस्टाग्राम जो हैंडल है उसको भी फॉलो कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अन्ना का चैनल जो है हार्ड कोर स्पिरिचुअलिटी उसको भी विजिट करें, वहां पर बहुत सारी चीजें जो है आपके लिए बताई गई है जिनसे आपकी साधना में आपको मोटिवेशन मिलेगा और आप अपने साधना के पथ पर आगे बढ़ेंगे। सो थैंक यू अन्ना फॉर दिस पॉडकास्ट।